हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और एक इंतहाई ऑनर और प्रिविलेज की बात है कि आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद हैं, जो कि ना सिर्फ प्रोफेसर एमेरिटस ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी हैं, बल्कि विजिटिंग प्रोफेसर लम्स भी रह चुके हैं और जी सी में भी प्रोफेसर रह चुके हैं, और इनकी दो बहुत ज़बरदस्त किताबें भी हैं। तो जो लोग इनको सुनकर यकीनन फ़ैन होंगे इस पॉडकास्ट के बाद, वो प्लीज़ पढ़ें गैरिसन स्टेट और पंजाब ब्लडीड एंड क्लेंस। कैसे हैं सर आप? बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आप सुनाइए कैसे हैं? बिल्कुल सर, ज़बरदस्त। वक्त मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारे साथ आप हैं और हम डायरेक्ट बात करते हैं पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में। सर, इतना तो हमें पता चल गया है बड़े होकर के पाकिस्तान स्टडीज में तो जो सिखाया जाता है वो तो फिक्शन सेक्शन में होना चाहिए, वो तो स्टोरी टेलिंग या मिथ ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी सर अगर किताब पढ़कर, कथा कलामी माफ़ कीजिएगा, अगर मैं एक आपकी हाइपोथेसिस निकालूं, बेसिक आर्ग्यूमेंट अगर कहूं, तो आप ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि पाकिस्तान बना ही इसलिए था, ये एक इरादे से बना गया था, जिसको ग्रेट गेम भी कहा है आपने, कि एक बफर है, कि इंडिया इतना ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए कि कल को वो कम्युनिस्ट कम्युनिज्म की तरफ अगर जाता है, जहां नेहरू के बेंट भी था, तो ये फिर एक ग्लोबल सुपर पावर बन जाएगा और ये कम्युनिस्ट के हाथ में आ जाएगा। तो पाकिस्तान को एक बफर स्टेट बनाएं, जिसको आपने गैरिसन स्टेट कहा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपका दुरुस्त है। जी जी बिल्कुल दुरुस्त है, यही है। तो सर ये इसी चीज को मैंने डेमोंस्ट्रेट भी किया है विद प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसे कहा जाता है, यानी एक डॉक्यूमेंट होते हैं किसी ने लिखा हुआ। मैंने तो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जो ब्रिटिश मिलिट्री के मेमोरेंडम्स हैं उसकी बुनियाद पे और उनके जो सीनियर ऑफिसर्स की, ये लास्ट मिनट आपको पता है डिसीशन हुई कि पाकिस्तान बनाया जाए। ज्यादा तो यही थी 1946 तक कि पाकिस्तान को मत बनाया जाए, क्योंकि इससे ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो उन्होंने बनाई है वो डिवाइड हो जाएगी और सब कॉन्टिनेंट वीक हो जाएगा। लेकिन बाद में आर्ग्यूमेंट्स ये आई कि नेहरू और उसकी कांग्रेस पार्टी और उसका एंटी इंपीरियलिज्म और उसका प्रो सोवियत स्टांस जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक बफर स्टेट बनाई जाए। इसमें दो ओपिनियंस कोई नहीं हो सकती। और मैंने आपको देखे ना, किताब के अंदर ये वो डॉक्यूमेंट दिए हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खुद अपने रिलीज किए। तो सर हमारी तो फिर जो पाक स्टडीज में सब कुछ लिखा हुआ है वो सरासर झूठ है। बिल्कुल झूठ है, क्योंकि देखे किताब जो है पाकिस्तान में छपी ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कराची वालों ने छापी, और किताब मेरी ये छप गई थी 2013 में। और इसमें मैंने आपके जो हमारे तीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके इंटरव्यू किया हुआ है, चार आईएसआई के हेड्स का किया हुआ है, तो और बड़े सीनियर ऑफिसर का किया है। तो ये किताब बेस्ड भी है ऑन फर्स्ट पर्सन अकाउंट से एक हद तक, बट बेसिकली ये वो डॉक्यूमेंट है जो कोई उठ के नहीं कह सकता कि ये डॉक्यूमेंट इसने गलत रिफर किए हैं। तो जो चीज प्राइमरी सोर्स के ऊपर बेस्ड हो, यू कैन नॉट हैव टू ओपिनियंस, यू कैन ओनली हाइड द ट्रूथ जब तक कि वो पब्लिक में ना आए। ऐसे हुआ है तो और मैं उसके बाद पाकिस्तान को लंग्स में भी पढ़ाता रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता रहा हूँ। यकीन की बात है मुझे कभी आईएसआई ने या किसी ने तंग नहीं किया। तो सर मतलब ऐसे मैं यहाँ बैठ के एक क्लेम कर दूं कि ये मेरे साथ हुआ, मेरे साथ बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता है कि ये फैक्ट्स पे बात कर रहा है और जो चीज हमने साबित की है वो शायद लोग उसको समझते नहीं कि अगर जिस तरह जिन्ना साहब चाहते थे कि पूरा पंजाब और बंगाल आ जाता ना, तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है दिल्ली की गर्दन पे बनता। यही तो मेरी आर्ग्यूमेंट है कि पाकिस्तान कैसे गैरिजन स्टेट बनाया गया, कि इसके सारे बड़े शहर, उस जमाने में कराची था ना एक शहर और वो भी 300,000 था, लाहौर वॉज द ओनली सिटी ऑफ एनी मैग्नीट्यूड 7 लाख, हाँ जी, और बाकी जो थे सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात जो आपके मेन शहर हैं, ये तो इंडिया के बॉर्डर से 15 से लेके 30 किलोमीटर के साथ साथ हैं। तो ऐसे मुल्क के ऊपर एक लैंड इन्वेजन एक बड़े मुल्क की बहुत आसान हो जाती है। तो पाकिस्तान को जिस तरह बनाया गया वो इसी तरह था कि ये कभी एक इंडिपेंडेंट भी ना हो सके, ये हम पे डिपेंडेंट हो। तो जिन्ना साहब को जब उन्होंने पाकिस्तान दिया तो जिन्ना साहब का अपनी स्टेटमेंट है, अ मॉथ ईटन पाकिस्तान, जिसको कीड़ा खा गया।
ये भी आप याद रखें, ये उन्होंने बड़ा खूबसूरत मेटाफर इस्तेमाल किया, अ मॉथ ईटन पाकिस्तान. व्हाट ही वाज डिमांडिंग वाज पूरा बंगाल, पूरा पंजाब, लेकिन वहां पे मसला ये था कि अगर आप हिंदुस्तान की तकसीम मजहब की बुनियाद पे करते हैं तो ये बिल्कुल मुनासिब है कि जिन इलाकों में गैर मुस्लिम मेजोरिटी में है, पंजाब के और बंगाल के, वो ये अपनी डिमांड करें कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते. तो ये सारी जो है ना गेम अल्टीमेटली वही है जो मैंने बताया आपको कि एक बफर स्टेट बने. और मैंने सर फ्रांसिस टकर जो थे ईस्टर्न कमांड के हेड, आई थिंक इंडिया की मिलिट्री हायरार्की में वो नंबर 2 या नंबर 3 थे, सो हाई अप. उन्होंने तो किताब भी लिखी है, बिफोर मेमोरी फेल्स और समथिंग लेस मेमोरी ऐसे है, उसमें उन्होंने लिखा है कि वी नीड टू क्रिएट एन इस्लामिक आर्क एक्सटेंडिंग फ्रॉम अल्जीरिया इनटू अरेबिया डेजर्टा इनटू टर्की इनटू नॉर्दर्न हिंदुस्तान वेयर थ्रू इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड ब्रिटिश साइंस दिस कैन प्रिवेंट अपोज के सोवियत कम्युनिज्म इस तरफ आए. तो ये सारे डॉक्यूमेंट और ये सारी आर्गुमेंट अगर मैंने किताब में दे दी है तो मेरे साथ वो क्या इतराज क्या कर सकते हैं, यही कह के आपने पब्लिश कर दिया सर. एक बाकियों ने हिम्मत नहीं की पब्लिश करने की, तो हमने कर दी हिम्मत और उसके बाद जाके पढ़ाते भी रहे हैं पाकिस्तान में. सर अगर आप एक चीज की वजाहत कर सकें, आप अभी कह रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान बनाया गया वो जानबूझ के इस तरह बनाया गया कि वो कमजोर रहे, कि वो हमेशा बॉर्डर से सारे मेन शहर जो है वो इतने करीब रहे कि हमें फोर्स हो जाए मिलिट्री पे डिपेंडेंट होना. लेकिन सर आप ये भी तो आर्ग्यू कर रहे हैं कि रैटक्लिफ अवार्ड जो है, जो अगेन पाकिस्तान स्टडीज में हमें बार बार उसको गालियां दी जाती हैं या कहा जाता है कि माउंटबेटन की नेहरू से बड़ी दोस्ती थी तो वो रैटक्लिफ अवार्ड ने वहां फेवर कर दिया, पर आप सर आर्ग्यू करते हैं कि रैटक्लिफ अवार्ड 99.9% मुस्लिम लीग के फेवर में था. तो पंजाब के अंदर बंगाल का मैंने वहां पे जिक्र नहीं किया, इसलिए कि बंगाल तो पाकिस्तान का हिस्सा रहा नहीं था और ये पंजाब पे पार्टीशन थी. तो सर वो ऐसा क्यों मुस्लिम लीग रैटक्लिफ अवार्ड की तरफ जाएगा या प्रपोज करेगा जिससे पाकिस्तान कमजोर हो? सो अगर हमें फेवर किया गया तो आप कहेंगे कि ये मुस्लिम लीग की शॉर्ट साइटेडनेस थी दैट दे डिडंट एंटीसिपेट दिस. ऑफ कोर्स दे डिड नॉट एंटीसिपेट इट अंटिल द वेरी 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 एंड. आप ये तो जिना साहब को मई में जाके पता लग गया 47 में, और ये माउंटबेटन के साथ उसकी जो आर्गुमेंट है वो यही है. उन्होंने कहा कि इफ यू अप्लाई वन प्रिंसिपल, देख एक कहते हैं मेजर आर्गुमेंट, उसके नीचे माइनर आर्गुमेंट्स होती हैं. अगर मेजर आर्गुमेंट हिंदुस्तान की तकसीम की मजहब की बुनियाद पे और उन इलाकों में जहां पे मुसलमान में मेजॉरिटी है कि वो उससे अलग करके पाकिस्तान को दिए जाए, तो उसके अंदर जो माइनर आर्गुमेंट बनती है कि जिन इलाकों में गैर मुस्लिम मेजॉरिटी में है, मतलब पाकिस्तान के पंजाब के 29 डिस्ट्रिक्ट्स में 12 डिस्ट्रिक्ट्स में जो थे हिंदू सिख मेजॉरिटी थी और 17 डिस्ट्रिक्ट में मुसलमानों की मेजॉरिटी थी. हालांकि हर डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान सिख भी रहते थे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वालों में, क्योंकि ये तो मिक्स्ड पॉपुलेशन थी ना, लेकिन ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट थी उसमें. मैंने ये भी आपने नोट किया होगा, क्योंकि आप शुक्र है आप तैयार होके आए हैं, कि मैंने लिखा है कि अपना लॉर्ड वेवल ने जी एक बनाई थी ब्रेकडाउन प्लान जो 27 दिसंबर 1945 को आई और 7 फरवरी 1946 को उसकी डीमार्केशन प्लान भी आई, और वो डीमार्केशन प्लान और रेडक्लिफ अवार्ड 99.9% आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल का मतलब होता है सिमिलर भी नहीं, दे आर द सेम. और एक और बात बता दूं, मेरी अभी जिना साहब पे किताब आ रही है, वहां पे मैंने कैबिनेट मिशन प्लान के जो है ना तफसील से एनालिसिस की है, वहां मजीद पता लगा है कि उन्होंने वॉर्न किया है जिना साहब को कि देखें ये आपको ये जो गुरदासपुर के 3 जिले हैं जो अमृतसर के साथ है तहसीलें हैं सॉरी गुरदासपुर बटाला और पठानकोट, ये रावी के ईस्ट पे हैं,
इसकी एक तहसील वेस्ट पे थी जो शकरगढ़ पाकिस्तान को मिली, तो उन्होंने कहा ये तीन तहसीलें और कलकत्ता आपको नहीं मिल सक नहीं मिलेगा, इसके लिए आप तैयार रहें। तो जिना साहब इवन न्यू दैट, लिहाजा जब अवार्ड मिला, आप देखें आप उसके एक और प्रूफ भी तो है ना, वाई आई से दिस, कांग्रेस का और सिख लीडरशिप का क्या क्लेम था? उनका क्लेम था कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है ना उसमें दो चीजें हैं, कंटिगुअस मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम एरियाज टू बी सेपरेटेड, कंटिगुअस होता है नेक्स्ट टू ईच अदर कनेक्टेड, एंड अदर फैक्टर्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट, कि सिर्फ उसकी बुनियाद पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे वाटर वर्क्स बने थे, रेलवे जंक्शंस बने थे, जो एक यूनाइटेड पंजाब का मॉडल था उसको डिवाइड करने का तो नहीं था, समझ गए आप? तो वहां पे जब पंजाब बाउंड्री कमीशन के सामने बहस हुई, तो वहां पे मुस्लिम लीग ने जो मौकफ लिया वो यही था कि नहीं जी, मेन आर्ग्यूमेंट जो है वो तो ये है कंटिगुअस एरियाज, और कंटिगुअस एरियाज ये अपनी तरफ से कैलकुलेट करते 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 जलंधर के ईस्ट में चले गए, बल्कि लुधियाना भी एक तरीके से पाकिस्तान में इंक्लूड कर रहे थे, ठीक है। जो कांग्रेस का मौकफ था और जो सिखों का मौकफ था वो ये था कि देखें अदर फैक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और अगर आप देखें रेवेन्यू जो पंजाब का है 80% हम देते हैं, 75% जो प्रोडक्टिव बिजनेसेस हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो हमारी ओनरशिप है, तो पंजाब की डेवलपमेंट में हमारा बहुत ज्यादा रोल है, और अदर फैक्टर्स आर नॉट सेकेंडरी टू कंटिगुअस एरिया, लिख है एंड, एंड का मतलब होता है एंड, यानी उसके साथ साथ। सो ये दो मौकफ लिए गए, और उसकी बुनियाद पे उन्होंने सियालकोट मांगा, उसकी बुनियाद पे उन्होंने गुजरांवाला, क्योंकि गुजरांवाला से महाराजा रंजीत सिंह थे, सियालकोट में वो पूरन भगत और ये हिंदू मंदिर हैं बड़े, सिखों के भी बड़े एक सेक्रेट जगह हैं, हाँ जी, उन्होंने लाहौर मांगा कि यहाँ पे गुरु अर्जुन की तो पैदाइश है, हम कैसे लाहौर आपको दे सकते हैं, और उन्होंने फिर शेखुपुरा मांगा कि यहाँ पे तो गुरु नानक की पैदाइश है, फिर उन्होंने कहा कि मंटगुमरी यानी साहिवाल हमें दें, यहाँ पे हमारी बहुत जमीनें हैं, ये सिखों का मौकफ था, और लायलपुर में भी इन्होंने कहा कि हमारी जमीनें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो एक्चुअली मुस्लिम मेजोरिटी थे वो पाकिस्तान को मिले, तो इंडिया को तो या बाउंड्री कमीशन ने और राइट ऑफ अवार्ड ने इनमें से कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ जो तीन तहसीलें हैं अमृतसर के साथ की, और उसमें भी आर्ग्यूमेंट ये थी कि अगर अमृतसर के साथ ही पाकिस्तान बन जाए तो अमृतसर एक आगे को एक शहर है और उसके इर्द गिर्द सिर्फ पाकिस्तान है, तो वो तो डिफेंड ही नहीं हो सकता, और ये वेवल की स्कीम है जो रेडक्लिफ अवार्ड बनी, लिहाजा ये सारी जो है ना वो ब्यूमाउंट ने ये देखा वो देखा, ये मेमोरी के ट्रिक्स हैं, उसे भी याद नहीं कि एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स क्या है, मैं तो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं चैलेंज नहीं हुआ। सर जूनागढ़ पे भी आई थिंक अभी यूएन का एक हमारा अब तक केस चल रहा है, एंड अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो शायद गुरदासपुर में भी पाकिस्तान का झंडा था दो तीन दिन तक पार्टीशन के बाद। हाँ जी, वो मैंने खुद लिखा है, ये तो मैंने खुद लिखा है जी, क्योंकि गुरदासपुर पे वैसे तो 17 डिस्ट्रिक्ट्स में मेजोरिटी, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज मेजोरिटी का प्रिंसिपल ही अप्लाई होता तो गुरदासपुर फिर पाकिस्तान को मिलता ना जी जी, लेकिन अदर फैक्टर्स का सोच के, और उसमें भी एक देखें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मुस्लिम लीग का मौकफ था कि हजूर ये कैसे पहुंचे जलंधर तक, ये भी तो सवाल है ना, इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट तो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो पुराना रेवेन्यू सिस्टम है राजा टोडर मल का और मुगलों का और उससे पहले हिस्ट्री का, वो तो तहसील का है रेवेन्यू यूनिट, तो इन्होंने तहसीलों की वो कनेक्शन बनाते बनाते ये पहुंच गए थे ना वहां पे जलंधर से आगे लुधियाना तक सुतलज तक, ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई फिर होता फ्लैट, यानी होना चाहिए ना, अगर आप तहसील वाली बात बनवा लेते हैं तो फिर गुरदासपुर का जो है ना तहसील पठानकोट जहां से कश्मीर को रोड जाता है वो 60% हिंदू सिख है, वो फिर भी ना हमें मिलती।
ये सारी आर्गुमेंट्स मैंने किताब में दी है और तभी मुझे ये चैलेंज नहीं कर सके। देखिए झूठ की तो लात नहीं होते ना, झूठ तो हक के सामने और हकीकत के सामने और फैक्ट के आग में डिफीट हो जाता है। मैं इतने साल पाकिस्तान में जो पढ़ाता रहा हूँ, why was I not challenged on the basis of my arguments? वहीं मैं रहा हूँ ना जी। लेकिन ये छुप छुपा के पाकिस्तान स्टडीज में वही मौकफ दिया गया है जो इन्होंने टू नेशन थ्योरी को हर इशू पे डिफेंड करने के लिए किया है। इस तरह नैरेटिव जो है वो कभी कामयाब नहीं होते। सेल्फ क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, हकीकत पसंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान भी है बन, यहाँ के लोग अब पाकिस्तान को चाहते हैं कि ये कायम रहे, इसकी बात, ये बात मुझे समझ आती है। लेकिन आप एक झूठा नैरेटिव नहीं ना बना सकते जिसकी बुनियाद ही कोई नहीं है। सर मैं टू नेशन थ्योरी पे आना चाहूंगा, सिर्फ एक इसी चीज में करेक्शन चाहता हूँ मैं आपसे कि पाकिस्तान स्टडीज में जिस तरह बताया जाता है कि रेडक्लिफ अवार्ड ने जानबूझकर ये एरियाज इंडिया को दिए थे ताकि कश्मीर तक एक रास्ता बन सके, आप इस पे भी कहते हैं कि ये कंप्लीट बुलशिट है। मैंने बताया है कि देखें हमारा जो वहां पे स्टैंड लिया गया ना वो है तहसीलों का, इन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट तो हम मानते ही नहीं जी, और तहसीलों के जरिए ये पहुंच गए वहां पे लुधियाना तक, क्योंकि वो बनती है कनेक्शंस। स्वाय कपूरथला स्टेट बीच में आ जाती है, वो एक स्टेट है ना। एक और बात भी है कि उस जमाने में जो ये है 3 जून पार्टीशन प्लान और 18 जुलाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसमें यही कहा गया है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करें वेदर दे वांट टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इंडिया और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। लिहाजा अगस्त के अंदर अगर ये दे भी, अगर कहा जाए कि कश्मीर का रोड दे दिया तो तब तक तो कश्मीर इंडिपेंडेंट भी रह सकता था ना, तो उसका फायदा ही कोई नहीं था। आप समझे मेरी आर्गुमेंट? जी, जी, जी। जब रेडक्लिफ अवार्ड आया है ना, 13 की रात को तैयार हो गया था, 17 को पब्लिक हो गया, 18 को ईद थी जबकि कहर की रात, कहर का दिन चढ़ा मुसलमानों के ईस्ट पंजाब तक, उससे पहले इधर ही हिंदू सिखों पे हमले होते रहे, उसके बाद भरपूर हमले उधर मुसलमानों पे हुए। मेरी तो एक एक डेट क्रोनोलॉजी किसी ने चैलेंज नहीं की, क्योंकि मैंने एविडेंस उन लोगों का दिया जो जान बचा के वहां से आए हैं, तो ये क्या कह सकते हैं जी। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि अगर तहसीलों की बुनियाद पे इन्हें वहां तक मिल जाता ना, जलंधर तक जैसे ये चाहते थे, तो तहसील जो है पठानकोट वो फिर भी इंडिया को जाती थी जहां से रोड कश्मीर को जाता है, और तब तक तो कश्मीर इंडिपेंडेंट रहेगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, इंडिया का बनेगा, दैट इज नॉट ऑन द कार्ड्स। लिहाजा ये सारी झूठ जो है वो है अपना इन्होंने पेश किया है। और आई एम अवेलेबल एनीवेयर, किसी कोर्ट में भी मुझे बुला ले, मैं वहीं रहा हूं ना। व्हाई वाज आई नॉट चैलेंज्ड? सर अगर हम कंस्पिरेसी थ्योरी बना भी लें कि इनका पूरा प्लान पहले से था, ये था, आप ये भी आर्ग्यू करते हैं कि अगर ये मिल भी जाता पाकिस्तान को, इंडिया स्टिल हैड अनदर रूट टू कश्मीर, जो थोड़ा मुश्किल था लेकिन वो हो जाता। वो मतलब थोड़ा मुश्किल था, वो साथ ही होशियारपुर है ना जी, उधर से चंबा स्टेट है, आप देख लें उसका मैप देख लें, जरा उनका एफर्ट उन्हें ज्यादा करनी पड़ती, बट दैट वॉज नॉट एन इशू एट ऑल। तो ये ऐसे हुए ही नहीं, तब तक तो ये था कि कश्मीर इंडिपेंडेंट रहेगा। ये तो हमने जब मुजाहिदीन भेज दिए और ये श्रीनगर तक पहुंच गए और बजाय वहां पे जाके कैप्चर करें, ये लूट मार में लग गए ट्राइबल्स, तो वहां से पाकिस्तान की जो एक मिलिट्री एफर्ट था वो नाकाम हो गया। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस, मिशन कुछ लेके गए थे, अब करना कुछ और शुरू कर दिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि प्लान इनकी शायद बड़ी दुरुस्त होगी कि श्रीनगर पहुंच जाओ, उसका एयरपोर्ट कैप्चर कर लो, तो इंडियन ट्रूप्स भी नहीं आ सकती आसानी से। हाँ जी, मगर इसमें इसलिए फेल हो गया कि ये 2 दिन बारामूला लूटमार करते रहे, ये सारा ऑन रेकॉर्ड है। तो अ थिंग विच इज ऑन रेकॉर्ड कैन नॉट बी डिनाइड। जी सर बिल्कुल, तो कश्मीर हमने खुद ही अपने हाथों से जाने दिया कश्मीर, ये भी आज आपके सामने मैं कह दूं। बल्कि जिना वाली किताब में मैं ये भी शो कर रहा हूँ कि इंडिया से ऑफर भी थी कि आप कश्मीर रख लें और हैदराबाद पे हमें तंग ना करें, तो किसने रिजेक्ट की, क्यों की, वो अगली किताब में आती है।
sir, anticipating that book, Two Nation Theory पे हम आना चाहेंगे. पाकिस्तान में उसको बहुत ही ज्यादा एक सीक्रेट काओ, होली काओ समझा जाता है. आप अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट भी बने तो उनको कहा जाता है कि भाई एनुल यकीन है मेरा टू नेशन थ्योरी पर. मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि अगर पाकिस्तान को बेहतर इन्विजन किया जाता कि इट्स अगेंस्ट रिलीजियस परसिक्यूशन. और हमेशा से मेरी एक थ्योरी थी, एक हाइपोथेटिकल, कि अगर हम सिखों को अपने साथ कर लेते तो बहुत बेहतर होता. ये आप ही की किताब पढ़कर, आपको ही सुनकर मुझे रियलाइज हुआ कि कायदे आजम ने भी यही सोचा था. और कायदे आजम ने भी सिखों को कहा था कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जो डिमांड्स है आपकी मैं साइन कर दूंगा, आप हमारे साथ मिल जाएं. सो वुडंट यू सी कि ये खुद टू नेशन थ्योरी के खिलाफ जाता है अगर कायदे आजम खुद कह रहे हैं कि सिखों को कि आप हमारे साथ मिल जाएं और साथ हम एक मुल्क बना लें. अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है. आई एम वेरी प्लीज कि आप इतने शार्प सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जितना अच्छा इंटरव्यूअर होता है उतनी ही कोशिश करनी पड़ती है मुनासिब जवाब देने. वो जब इतने अच्छे अजीम गेस्ट आते हैं ना तो मैं इंटिमिडेट हो जाता हूं, तो मैंने आज पढ़कर आया हूं इसी वजह से. नहीं, आप बिल्कुल इंटिमिडेट नहीं हुए, यू आर सो मच ऑन द डॉट और बहुत मजा आ रहा है. लेट मी टेल यू दिस, इंटरव्यू को भी तो एक देते हुए इंटरव्यू मजा आ रहा होता है ना, तो थैंक यू वेरी मच. सबसे पहली बात के कायदे आजम की मैंने जिना वाली किताब में बार बार, इससे पहले शुरू हो गया था कि ये सिखों को कह रहे थे कि हमारे साथ आ जाए, दुरुस्त. तो हुआ क्या, देखे मार्च सिखों के अंदर भी दो ओपिनियन तो थे ना, यानी ज्ञानी करतार सिंह और ये लोग जो इधर ही के थे, उनका ख्याल था कि यार पाकिस्तान से अगर कोई समझौता हो जाए और हमारी सारी सेक्रेट वो है, साइट्स भी यहाँ पे हैं, श्राइन्स भी यहाँ पे हैं, तो वाई नॉट, ठीक है. और एक था कि नहीं नहीं, यहाँ पे अगर वो एक मुसलमानों की मेजोरिटी की स्टेट बनी तो जिस तरह सिखों का परसिक्यूशन मुगलों ने किया है, हालांकि मुगलों की भी स्टोरी कुछ परसिक्यूशन की है, कुछ बेनेवोलेंस की भी है, मगर आप अपनी स्टोरी को वैसे ही याद रखते हैं ना जो आपका अपना नैरेटिव बनता है. औरंगजेब ने काफी ज्यादती की थी. हाँ, आखिरी का जो दौर है वो अलग. तो ये दो ओपिनियन तब भी थे. मार्च 6 तारीख, मैंने तो डेट भी दी है, को 5 वाले दिन रावलपिंडी शहर में फायरिंग हुई मुसलमानों की तरफ से और उधर हिंदू सिखों, और दोनों का पल्ला एक जैसे ही था, बल्कि क्योंकि उनके पास आर्म्स ज्यादा थे तो उनका थोड़ा सा शहर के अंदर ज्यादा जोर था, और मेजोरिटी भी थी रावलपिंडी शहर में, बाय द वे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट 80% मुसलमान था, लेकिन रावलपिंडी शहर में सिखों और हिंदुओं की 64% पॉपुलेशन थी. तो कई फैक्टर्स थे कि उनके हक में जा रहा था. किसने ये फैसला किया, कैसे ये हुआ, 6 की शाम को जब डिंग डॉन बैठी ना, इधर जीत गए उधर हार गए, तो इन्होंने फैसला किया कि यहां से निकल जाओ. और जो गांव है सिखों के, वहां पे ज्यादा सिख थे, हिंदू जो थे वो माइनॉरिटी, यानी इकोनॉमिक उनके पास वेल्थ नहीं थी, सिखों के पास ही थी. उन गांवों को इन्होंने अपना सराउंड करके और ठीक ठाक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज किलिंग की है. सिखों की सोर्सेस तो 10,000 कहते हैं, और अंग्रेजों ने जो अकाउंट दिया, और पुलिस वाले आपको पता है आज भी अपने इलाके में जो होता है कम फिगर्स देते हैं ताकि उनकी फिर वो सुनाई ना हो जाए कि ये तुमने क्या किया. तो वो ऑफिशियल फिगर्स में हल पहले हैं 2004, उसके बाद 3000 तक वो चले गए थे ब्रिटिश फोर. हाँ जी, मेरे ख्याल से एनीवेयर बिटवीन 5,000 to 7,000 इन्होंने मार दिए, मेनली सिख, और उसमें जो हिंदू भी उन्हीं गांव में रहते थे. वहां से फिर जो सिख खानदान बच के गए हैं, उन्होंने पटियाला में जाके फिर पूरे दो, उसके बाद तैयारी हुई है कि अगर दोबारा ये मुसलमानों के साथ हुआ तो हम अपना बदला खूब लेंगे. तो मार्च में जब ये हुआ है, बात ये हो रही है, जिना साहब का एक बयान नहीं है पब्लिक, लियाकत अली खान का कोई बयान नहीं है, पंजाब के जो हेड थे मुस्लिम लीग के नवाब ममडोट, उनका कोई बयान नहीं है सिंपथी का, किसी मुस्लिम लीग का कोई बयान नहीं है कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है और पाकिस्तान में हम ये कतन नहीं होने देंगे.
अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि why did they not make use of this opportunity? और सिखों को उनका कम से कम कोशिश तो करते ना कि ज्ञानी करतार सिंह जैसे लोग जो थे जो आ रहे थे इनके साथ, हाँ जी, वो वाला पल्ला भारी हो जाता तब तो ये रहे चुप। लेकिन जब उसकी वजह क्या है कि तब तक ही जिना साहब वॉज बिलीविंग पूरा पंजाब तो मिलना ही मुझे है, वो तो जब मई में बात शुरू हुई है कि नहीं अगर इंडिया पार्टीशन होगा तो पंजाब और बंगाल भी होंगे, तब इन्हें समझ आई कि अब कुछ किया जाए, बट इट वॉज टू लेट। उस पूरी गुफ्तगू जो हुई है और वो इजिप्शियन लीडर का भी जो जिक्र आपने अभी किया है, इट वॉज टू लेट इन द डे, यू हैड नो क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी भी तो होती है ना एक बंदे की, पर्सनली उन्होंने ये कह भी दिया कि सर आप आज ये हमसे कह रहे हैं कि ब्लैंक चेक, मगर गॉड फॉरबिड व्हेन द टाइम कम्स टू इंप्लीमेंट दिस एग्रीमेंट एंड यू आर नॉट देयर, व्हाट विल हैपन। ये उनका सवाल तब था ना, उन्हें भी नजर आ रहा था कि जिना साहब को बहुत, वो कई हिंदू भी मानते थे कि ये एक, ये तो अंग्रेज है, इनका खाना पीना जो है मशहूर था, वेस्टर्न था, वो ना उर्दू बोलते थे ना वो गुजराती बोलते थे जिस वो लिंग्विस्टिक ग्रुप में पैदा हुए हैं, ही कुडंट इवन स्पीक गुजराती, ही वाज ऑल इंग्लिश, लुक्ड एज मच एन इंग्लिशमैन एज द इंग्लिश डिड। जी जी, तो इन हालात में आपकी क्रेडिबिलिटी, उनको समझ था कि मे बी जिना इवन मीन्स व्हाट इज सेइंग, बट आफ्टर हिम हुज देयर, हम इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऐसे सिख जो है ना, वो मार्च की वजह से, मार्च हो सके, उनमें दो पॉइंट ऑफ व्यू थे ना, फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू डोमिनेट ऐसे ही हो गया। और वहां पे जिना साहब की एक बड़ी अजीब स्टेटमेंट है कि माय फ्रेंड इन पाकिस्तान माय वर्ड विल बी लाइक द वर्ड ऑफ गॉड, ये उनकी अपनी स्टेटमेंट है जो मेरी किताब में भी है। और वो कहते हैं जब हमने ये सुना तो वी रियलाइज कि जिना साहब जो है ना, ही इज आउट ऑफ टच विद रियलिटी। तो ऐसे जो है सिखों का जो है ना पाकिस्तान में आ जाना, वो इम्पॉसिबल हो गया कि मार्च के किलिंग जो है वो मैस किलिंग है, नो ऑर्डिनरी किलिंग। उसमें मुस्लिम लीग ने कोई सिंपथी शो नहीं की, कोई प्रॉमिस नहीं की कि पाकिस्तान बनने के बाद ये होगा। हाँ, क्योंकि आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो जस्टिस मुनीर की किताब है फ्रॉम जिना टू जिया, वहां पे उन्होंने आई थिंक पेज 17 पे लिखा है कि मुझे कायदे आजम ने फोन किया कि ये तुम जाओ रावलपिंडी। हाँ, सुन ले, जस्टिस मुनीर ने लिखा है कि इन रावलपिंडी द अग्रेसर्स वर मुस्लिम्स, ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये उनका कहना है, ये किताब के अंदर है, आप चेक कर ले। तो उन्होंने कहा कि कायदे आजम ने मुझे फोन किया और कहा कि तुम वहां पे जाओ और कहो कि मिस्टर जिना सेज व्हेन आई एम इन सैडल नथिंग ऑफ द सॉर्ट विल हैपन। सो मैंने वो भी अपनी किताब में दे दिया, बिकॉज ये क्लेम है तो मैंने दे दिया है। व्हाट आई हैव सेड कि मुनीर का भी कोई पब्लिक बयान नहीं है, किसी का भी नहीं है कि जिना साहब ने हमें ये कहा है और कोई वहां गया हो। तो इनके अगर दिल में ही रह गई का उन्होंने फोन किया था या नहीं किया था, वी डोंट नो। मुनीर क्लेम्स ही डिड, बट व्हाट आई कैन क्लेम इज दैट दिस वाज नेवर पुट फॉरवर्ड इन द पब्लिक। तो जो दिल में बात रह जाए तो वो तो रह गई ना। तो ऐसे सिखों की एलियनेशन कंप्लीट हो गई। सर, मार्च से पहले कोई इस तरह के मैसेकर का रिकॉर्ड आता है? मुझे लगता है पाकिस्तान के साथ हमेशा यही होता है कि शुरुआत हम करते हैं और फिर मरते भी हम ही हैं। कश्मीर में भी यही किया हमने, लाइव में भी यही किया। ये देखें, इन्होंने कलकत्ता में भी यही किया, शुरू हमने किया 16 अगस्त को, और पहले 2-2.5 दिन हमारी रही है अपना अपर हैंड, बट वो 23% वर मुस्लिम्स इन कलकत्ता, साथ हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी फिर मुसलमानों की कॉन्सेंट्रेशन, मगर ओवरऑल इट वाज अ हिंदू मेजोरिटी सिटी। और उधर से फिर जब उन्होंने हमला काउंटर किया है, तो मेरा, अब मेरे पास फिगर्स तो नहीं है, बट आई वुड सस्पेक्ट ज्यादा मुसलमान मारे गए थे उन 4-5 दिनों में। और उसका जो है ना बदला, वहां के जो मारवाड़ियों ने
जो बिहारी वर्कर्स को इन्होंने मारा था ये मुस्लिम लीग के गुंडों ने, उनको पैसे दे के बिहार भेजा गया और 5,000 से 7,000 सिर्फ मुसलमानों को मारा गया। तो एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ है मुसलमानों का बिहार में बिल्कुल चंद हफ्तों के बाद। तो मैंने तो पूरी डिटेल्स दी है जहां मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है। एक बात और कह दूं अगर आप बुरा ना मनाएं, जिना साहब कहीं भी नहीं ऐसी जगह पे गए जहां पे ये कत्लेआम हुआ है, अपने लोग भेज दिए कि जाके ये करें और वो करें। लेकिन महात्मा गांधी आप देखते हैं वो आ जाते हैं और बिहार में जाके फिर फाइनली ये नेहरू जब वहां पे गए हैं और उन्होंने बहुत वहां पे कंडेम किया है, और जो सर फ्रांसिस टकर वेरी एंटी कांग्रेस वेरी एंटी हिंदू, वो भी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का किरदार यहाँ पे बहुत इंसान दोस्त था। तो ये सारी बातें जो हैं दिस इज ऑल अ फैक्ट। आप मुसलमानों के साथ जुल्म भी होता है तो आप वही बॉम्बे में बैठ के एक बयान दे देते हैं, बट वेयर आर यू। बट गांधी का पूरा रिकॉर्ड है, 15 अगस्त में जब मुसलमानों पे एक बहुत बड़ा हमला होना था कलकत्ता में, तो वो दिल्ली में इंडिपेंडेंस की खुशियां नहीं थे मना रहे, ही वाज सिटिंग विद द मुस्लिम्स एंड विद सोहरावर्दी, और वो पूरी फिल्म में कोई झूठ नहीं है, ये ऑल फैक्ट्स। और वहां पे कलकत्ता के मुसलमानों की जान बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली के अंदर भी ये मेरे पिछले दिनों में मैंने ये लगाया भी था अपनी फेसबुक पे, हमने कराची से ढूंढ लिए एक हमारे दोस्त हैं जफर अहमद, ये 2 साल के थे तब बच्चे, उन्होंने बताया कि कैसे हम पुराने किले में सारे मुसलमान सहम के बैठे हुए थे और यानी दिल्ली के मुसलमानों पे बड़े हमले हो रहे थे, जो यहां से गए थे ना हिंदू सिख लूट के, वो मुसलमानों को वहां पे तंग कर रहे थे और दीवारों पे खड़े होके नंगा होके दिखाते थे मुसलमान औरतों को कि ये हम तुम्हारे साथ करेंगे अगर तुम ये घर नहीं छोड़ोगे। तो फिर महात्मा गांधी के पास ये सब गए, इंक्लूडिंग डॉक्टर जाकिर हुसैन। और एक और बात नोट कर लें, डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी जो बाद में वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी में, मैंने उनका बयान दिया उनकी किताब से, वो बाद में हमारे फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर भी बने। तो इतने हमारे जो हैं लीडिंग मुस्लिम्स ऑफ दिल्ली, ये उनके बयान है। और जफर जो है अभी भी जिंदा है और उन्होंने जो बयान दिया मेरे वो फेसबुक पे कहेंगे तो मैं भेज भी दूंगा। उन्होंने कहा जब वो आए तो हजारों की जो है ना फौजें वो बेकार हो गई, सिर्फ महात्मा गांधी की प्रेजेंस से हम चैन से बच गई। जो लोग दिल्ली में रहना चाहते थे वो आज तक रहते हैं, और जो वहां से आना चाहते थे वो कराची पाकिस्तान लाहौर जहां भी चाहे चले गए। तो ये दोनों कंट्रास्ट भी तो है ना, क्योंकि आप पूछ रहे थे तो फिर मैं आपको पूरी डिटेल साथ साथ देता जाता हूँ ताकि अवाम खुद फैसला करे। सर इज इट बिकॉज के कायदे आजम अगेन एक ऐसे एनिग्मेटिक मिथिकल फिगर हैं कि जिसकी जो मर्जी आती है वो कहते हैं कायदे आजम ऐसे थे। मौलवियों से पूछे तो वो कहेंगे कि जी इनकी तो बड़ी दाढ़ी थी। आप आयशा जलाल से भी डिसएग्री करते हैं जो आर्ग्यू करती हैं कि कायदे आजम डिड नॉट वांट पार्टीशन। सो इज इट कि दैट इज एक्चुअली वो सबसे बड़ा फॉल्स क्लेम है, और मेरी किताब जिना की आएगी ना तो उसके अंदर आई विल सी व्हाट हैपेंस वंस द बुक इज आउट। सर थोड़े स्पॉइलर्स दे दें कि नहीं नहीं स्पॉइलर्स क्या है कि नहीं यार आई थिंक पूरी डिटेल्स मांग लो तो किताब फिर क्यों पढ़ेंगे लोग, वो इसी गॉसिप पे जाएंगे। बात सुनेंगे उसने जो जिना साहब की एक्चुअल स्पीचेस है ना वो कहीं रिफर ही नहीं की। एक एक होता है कोट करना, एक होता है साइट करना, जहां पे इसके बिल्कुल बरक्स उन्होंने बार 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 कहा कि वी वॉन्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड वी वॉन्ट पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान कभी भी किस सूरत में भी इंडिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और अगर आप वो सारी स्पीचेस इग्नोर कर दें और विदाउट फाउंडेशन ये क्लेम कर दें तो वो पता नहीं स्कॉलरशिप एक एकेडमिक बंदे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी किताब आएगी तो इस पे बहुत बड़ी बहस होगी। सर इज इन द आर्गुमेंट कि ये सब रिटोरिकल था, कि ये ब्लफ था, कि ये रिटोरिकल ब्लफ था एंड कांग्रेस ने एक्चुअली उनका ब्लफ कॉल कर दिया कि ये टू नेशन थ्योरी और पाकिस्तान की डिमांड एक बार्गेनिंग चिप थी। नहीं वो that's very interesting that you say it because I quote Jinnah bar 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 saying
कि ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है, ये मेरी बार्गेनिंग चिप है. वेयर इज दैट? वो ये पहले लिखती तो बाद में आर्ग्यू करती ना, हाउ कैन ही से दिस एंड नॉट मीन इट. अगर आप उस पूरे एविडेंस को ही नहीं अपने रिसर्च में लाते तो ये कहां से आपने कंक्लूड कर लिया? व्हेन द मैन हिमसेल्फ सेज कि ये जो प्रोपेगेंडा है कांग्रेस का कि हम पाकिस्तान नहीं चाहते और ये एक बार्गेनिंग चिप है, ये बकवास है. वी वांट पाकिस्तान एंड दैट इज मींस द पार्टीशन ऑफ इंडिया. अब अंग्रेजी के असूल भी ये नहीं है, महल उर्दू में भी अगर मैं ये कहूं तो कौन से ग्रामर का रूल होगा, कौन सा रूल आप अप्लाई करेंगे कि आप कहेंगे इसके बरक्स मेरा मतलब था. जो आयशा जलाल और ये सारे नहीं समझते कि जिना नेहरू, गांधी, पटेल, मौलाना आजाद, ये सारे मजबूर किसके आगे थे? अंग्रेज के. तो जिना की जो बार्गेनिंग चिप व्हाटएवर आप कह रहे हैं, तो वो तो यही बनी ना कि उसको मॉथिटल पाकिस्तान बना मिला. ये थी फिर बार्गेन जो उसको मिली है. He didn't get the Pakistan he wanted. That's the bargain he had to agree to. He was not bargaining Pakistan. He agreed to bargain the borders of Pakistan. और उन्होंने तो सारा उनका stand ये है कि Pakistan create करें और उसका तरीका ही ये है कि partition हो. So bargain तो है. मैंने तो पहले शुरू से इससे ही किया था. What is the bargain? He agreed to amount a mount on Pakistan, not the Pakistan which he wanted. ये नहीं कि वो कहते थे कि पाकिस्तान मैंने नहीं बनाना. कैबिनेट मिशन प्लान पे जाके ये माने हैं और वो भी है 6 जून को, 46 को. 5 जून को बयान देख लें और 6 जून का देख लें. 5 जून को जो उन्होंने पब्लिक में दिया है वो यही है कि एट कभी नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज करें. 6 की है कैमरा में मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग मुस्लिम लीग के काउंसिल, वहां पे उन्होंने कहा कि आज तक मैं जो कहता रहा हूं आप मेरी बात मानते रहे हैं, आप भी मेरी बात मान लें कि हम जो है ना ये कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लेते. और उसकी वजह क्या थी वो अब कैबिनेट मिशन प्लान के पूरी जो डिस्कशन उसके अंदर हमने बताया है. वो ये थी कि वो कह रहे थे, इन्होंने धमकी दी है कि जिस तरह तुम अपने स्टैंड पक्का तुमने रखा है, ये ना हो कि हम सारे हिंदुस्तान कांग्रेस को दे जाएं. द ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू गिव इंडिया टू कांग्रेस ऑन कांग्रेस टर्म्स, ये समझ ले. दिस वॉज द ब्रिटिश एम. सो दे गेव पाकिस्तान बिकॉज इंडिया वॉन्टेड एन इफेक्टिव सेंटर ऑफ यूनाइटेड इंडिया. वो कैबिनेट मिशन प्लान की जो थी ना 16 मई वाली प्लान और फिर में जून में जो है वो उसको मानते नहीं थे. और देखें एक और बात भी है, जिना साहब ने कैबिनेट मिशन मैन तो मान लिया लेकिन उस प्लान का एक हिस्सा नहीं माना, और वो ये था कि मुस्लिम लीगर्स और बाकी जितने भी इलेक्टेड हैं वो कंस्टिट्यूंट असेंबली में बैठ के यूनाइटेड इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. उसका इन्होंने बायकॉट किया. कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्ट की मगर कहा कि हम कंस्टिट्यूंट असेंबली में जाके इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. तो ये भी झूठ है सारा कि कितनी किसने क्या माना कैबिनेट मिशन प्लान को. यार तुमने मेरे साथ सारी किताब सर ये वो इंटरेस्ट स्पीक स्पार्क करेगा ना, तो फिर इतनी बातें सुनने के बाद होपफुली मैंने कहा है, अगर ये यानी मैं आपके सामने बैठा हूँ यार, अगर एक बात भी गलत साबित हुई तो जो मर्जी कह देना यार, ये क्या बात हुई. सर आपकी अगर सारी बातें हम माने, इट डजंट पेंट अ वेरी रोजी पिक्चर ऑफ कायदे आजम, क्योंकि आप ये भी आर्ग्यू करते हैं कि कायदे आजम को लंदन से वापस कौन लाया, ये एक मिस्ट्री है, ये एक क्वेश्चन मार्क है. फिर आप आर्ग्यू ये भी करते हैं कि एक ग्रेट गेम के तहत पाकिस्तान बना, और अगर हम कहते हैं कि कायदे आजम एक सेंट्रल फिगर थे पाकिस्तान बनाने में, एक कंस्पिरेसी थ्योरी तो बन सकती है ना कि ही वाज कंप्लिसिट और ही वाज इन बेड विद द ब्रिटिश इन दिस ग्रेट गेम, दैट ही वाज इन बेड विद द ब्रिटिश टू गेट पाकिस्तान. देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट. दैट्स नॉट कंस्पिरेसी थ्योरी. I have quoted Viceroy Linlithgow saying ke had Jinnah not helped us we would have had to pull out of India. Agar Congress aur Muslim League mil jate to Jinnah ki main hamesha
शुक्र गुजार रहूंगा कि ही हेल्प्ड अस कांग्रेस की जो है ना फ्रीडम मूवमेंट को डिफीट करने में. तो दैट्स व्हाट द वाइसरॉय ऑफ इंडिया सेड लिलिथ को. तो ये मैंने बार बार कोट किया, किताब में आ भी रहा है. तो देर आर नो टू ओपिनियंस. बात ये है कि जिना साहब जो है वो इफ देर वॉज नो जिना आई वुड स्टिल एग्री नो पाकिस्तान. ये एक और एंगल है, यानी एज अ लीडर, एज अ मैन अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन वट एवर स्टैंड ही हैड टेकन. यू कैन डिसएग्री विद द स्टैंड, लेकिन जिना की जो डिटर्मिनेशन है एज अ लीडर वो डिनाई नहीं हो सकती. तो ये दोनों चीजें हैं, ये एक पैराडॉक्स है. नो जिना मे बी नो पाकिस्तान. बाकी लीडरशिप तो आम मीडियोकर थी इनकी. अजी जिना की टावरिंग पर्सनैलिटी थी और उनका पूरा एक रिकॉर्ड था एज अ नेशनलिस्ट, एज अ लेजिस्लेटर, और उनकी जो है वो कई इश्यूज के ऊपर उनका स्टैंड रोशन ख्याल भी रहा है. तो उनकी अपनी लीडरशिप हैज टू बी एक्नॉलेज्ड. वेदर दैट लीडरशिप ऑफ मुस्लिम्स और नॉट, इस पे दो बहसें हो सकती हैं. मैं ये भी कहने को तैयार हूं कि जिनके लिए पाकिस्तान में फायदे हुए उनके लिए तो वो एक ग्रेट लीडर है ना. वी यू एंड आई और एनीबॉडी एल्स हैज नो राइट टू डिसाइड कि ग्रेट लीडर कौन होता है. हम तो ये कह सकते हैं कि दिस वॉज हिज पोजिशन, दिस वॉज हिज पॉलिटिक्स, और ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस है. तो सर इंडिया में भी जो एक थोड़ी बहुत क्रिटिकलिटी है स्कॉलरशिप में, जो कहते हैं कि अगर हैड नेहरू ऑफर्ड जिना द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड इंडिया ही वुड हैव टेकन इट, आप डिसएग्री करेंगे? ये भी मैंने शो किया कि ये बकवास है. उससे पहले 3-4 दफा ऑफर हो चुकी है सुभाष चंद्र बोस से, महात्मा गांधी से. मैं पूरी किताब की डिटेल देना चाहता. ये सारी ऑफर्स उस जमाने में हुई है जबकि अभी पाकिस्तान के मुहिम जो है शुरू होनी थी और अभी मोमेंटम नहीं था बना. और जब पूरा पाकिस्तान बन रहा है तो नेहरू अगर मान भी जाते हैं तो वाई वुड जिना फॉल इनटू द ट्रैप. भाई तब नहीं किया जब पहले ये ऑफर हुई है, 40s में हुई है ये ऑफर, 1946 में भी हुई है. यानी कि अभी तक तो पाकिस्तान के ना इलेक्शन हुए थे ना वो मुहिम इस तरीके से. हाँ जी, तो तब तो वो माने नहीं. He said I want Pakistan. और जब पाकिस्तान बन रहा है तो उनके कहने के पर वो फिर उनकी तो यकीन ही ये था कि ये कांग्रेस बहुत झूठी पार्टी और मुझसे इन्होंने धोखा किया और मुसलमानों को ये कर देंगे. आई थिंक ही बिलीव्ड इट, ही मस्ट हैव बिलीव्ड इट. तो मैं तो इसको नॉनसेंस समझता हूँ कि ये कायदे आजम को बेवकूफ समझते हैं. ये नेहरू के कहने पे, नेहरू को तो वो कहते थे ही इज वो क्या कहते हैं पीटर पैन, उसकी बात ऑफर मान लेते वो. और उस मौके पे जब पाकिस्तान बन रहा है, सो ये सब अंडर रिसर्च्ड, बैडली रिसर्च्ड, ट्विस्टेड रिसर्च्ड बातों पे हुआ है. मैंने तो एक चीज को नहीं छोड़ा जो पब्लिक में है. हर एंगल को साथ लिया और आपके सामने सब पेश कर दिया. सर यू टेल मी कि अगर पहले ऑफर हो चुकी है जब अभी तक कोई चांस भी नहीं है पाकिस्तान बनने का, कोई ऐसी मुहिम भी नहीं शुरू हुई, इलेक्शन कैबिनेट मिशन प्लान तक तो इलेक्शन रिजल्ट आ चुके थे ना. जिना हैड अ मैंडेट, ही वाज इन अ पावरफुल पोजीशन कि मुसलमान मेरे साथ हैं. उससे पहले तो सिर्फ क्लेम था ना जी. 37 में तो ये हार गए थे. हाँ, तो 45-46 का जो इलेक्शन है उसके बाद आई है ना कैबिनेट मिशन प्लान. तो तब तो वाई वुड ही एग्री टू नेहरू जिसको वो कहता है यू आर पीटर पैन. सर इसमें एक आपकी ही रिसर्च में है कि पार्ट ऑफ जिनाज डिसिल्यूजनमेंट विद कांग्रेस वाज द प्रमोशन ऑफ गांधी. जिना को लगा कि ये मेरे बाद आए हैं, मेरे से कमतर लीडर हैं, इनको मेरे ऊपर प्रमोट किया गया. तो हाउ मच ऑफ इट वाज पर्सनल फॉर हिम कि थोड़ा ईगो भी आ गया. ये सारे ईगो का मसला है टू बी वेरी ऑनेस्ट. और लीडर्स ईगो के साथ ही चलते हैं. चर्चिल ने पूरी
ये जो अपनी जंग की है उसमें बहुत ईगो का भी हिस्सा है, और जो देखो ना जो इस स्टेटस पे आ जाता है और उसमें को यकीन हो कि आई एम द मैन ऑफ डेस्टिनी, तो वो इस किस्म की कन्विक्शन से आगे चलते हैं फॉर गुड एंड बैड। अगर उसमें ये क्वालिटी ना हो इन लोगों में तो ये आगे हिस्ट्री में अपना मार्ग भी ना छोड़े, वो तो आप जैसे जैसे हो जाए। हाँ, गुड एंड बैड जी, गुड एंड बैड ये आपका फैसला है कि हु वाज गुड हु वाज बैड, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, बट मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें ये क्वालिटीज नहीं थी। तो सर आपकी कोई उसमें राय नहीं है कि कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो अच्छे हुए या बुरे हुए, क्योंकि जिन्ना साहब खुद भी जो उनकी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे स्पीच है वो ऑलमोस्ट कहते हैं कि अब जो सारा रेटरिक था ये अब ये भूल जाओ, अब जो पाकिस्तान बन गया है अब इसमें यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस, और वो वाले जिन्ना का जो विजन है वो समहाउ रियलाइज नहीं हो सका। वाज इट टू लेट? उसकी सिंपल वजह है, उसकी वजह ये है अपना सात साल अगर आप एक चीज के विरुद्ध करते रहे हर वक्त और उस बात पे आपने लोगों को अपने साथ मिला लिया हो, इलेक्शन जीत लिया हो और उसके साथ साथ फिसादात भी शुरू हो गए हों कम्युनल, वो क्या कहते हैं किलिंग्स के, जहां पे किलिंग की बुनियाद कम्युनल बनी ना, जहां मुसलमान माइनॉरिटी में थे उनको अटैक करके उनके बच्चों को बुजुर्गों को बच्चियों को रेप किया गया, छुरियों से मारा गया, एंड उधर हमारी तरफ हिंदुओं और सिखों को किया, तो मजहब के बुनियाद पे तो ये सारी सेम हुई थी। तो जो आइडिया आपके मुंह से एक दफा निकल जाता है, ये मैंने एक और आर्ग्यू की है कि 2500 साल से प्लेटो से लेके आज तक किसी ने इस चीज की अहमियत को नहीं समझा। कॉमन सेंस की बात तो हुई है कि क्रिएटर ऑफ आइडिया जो होता है वो क्रिएटर तब तक ही होता है जब तक वो आइडिया उसके पास रहे। जब वो एक मास कॉन्शियसनेस बन जाता है ना तो वो फिर आपका आइडिया नहीं रहता और आप उसको वापस नहीं ले सकते। अगर आप कहते रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान किसी हालात में इकट्ठे नहीं रह सकते, ये ना इकट्ठे खाते हैं ना ये इकट्ठे बैठते हैं, तो वो हमारे दुश्मन हैं एंड इसी वर्षा, और आप कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान ना बना तो मुसलमान गर्क हो जाएंगे, इस्लाम एनाइहिलेट यानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इस हद तक आप हिंदुओं को एक खतरनाक नेशन कर देते हैं हाँ जी, जिनके साथ हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता हाँ जी, फिर एक दिन आप खड़े होके उसके बरक्स बोल देते हैं तो बाय दैट टाइम क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं रहती लोगों की कॉन्शियस में, तो पाकिस्तान का मतलब नारा क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्होंने मौलवियों को भी खुली छुट्टी दी थी जो मर्जी आप कहें, सारी जो पंजाब की इलेक्शन कैंपेन है वो जिताई मौलवियों ने, प्रेमी मौलवियों ने, और जो जिनका यहाँ कोई गढ़ था देवबंद का तो सिर्फ उर्दू स्पीकिंग बेल्ट में था ना, पंजाब में तो ऐसी छोटी छोटी तंजीमें थी, एक मजलिस एरार और एक खासा खासा कभी इधर कभी उधर, एरार जो थे वो कांग्रेस के साथ थे बट उनके पास ना रिसोर्सेज थे, वो आम मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, सारे लैंडलॉर्ड मुस्लिम लीग के साथ थे, सारी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो मुस्लिम लीग के साथ थी, और उसकी वजह सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने मुस्लिम लीग ने साथ दिया था, उनका रिक्रूटमेंट करवाई थी और कांग्रेस ने पोज किया, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो है एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे सिंपथी कांग्रेस के साथ हो सकती है, सिर्फ माउंटबेटन की थी और माउंटबेटन को बाहर से लाया गया था, ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट, ही वॉज ओनली फ्रॉम द रॉयल्टी, और रॉयल्टी में भी उसका कोई ऐसा स्टेटस नहीं था, अपनी बीवी की दौलत पे वो इतना नाम उसका चलता था, उसको लाया गया वो प्रो कांग्रेस था बट वो भी कुछ नहीं कर सका कांग्रेस के लिए। सर आप ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो लोग कहते हैं मौलवीज वर अगेंस्ट पाकिस्तान ये बिल्कुल झूठ कहते हैं, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक बिल्कुल नॉनसेंस है 110%, बल्कि देवबंद का एक खासा है तो माइनॉरिटी दिग्गज नाम थे, अशरफ थानवी, खैर ही डाइड इन 1943, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी,
और एक दो जफर अहमद उस्मानी और ऐसे बड़े जो जो मुस्लिम लीग के साथ आ गए थे, ये तो खुला पाकिस्तान की सपोर्ट की, मगर पंजाब में आप आ जाए, सिंध में आप आ जाए, तो वहां पे गढ़ था बरेलवियों का, जो मुसलमानों का सुनियों का मेजॉरिटी है, क्या कहते हैं, सेक्ट है। और ये सारा पंजाब का इलाका जो है ये तो पीरों की गद्दियों से चलता था। अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो रिक्रूटमेंट कराई है इन पीरों के जरिए करवाई है जी। ये फतवा लेके बरेलवियों के जो है अहमद रजा खान कसूरी से, कि क्योंकि ऑटोमन्स यानी उस्मानी तुर्क जो हैं ये कुरैश से नहीं है, लिहाजा ये आपके खलीफा नहीं हो सकते, तो उसकी बुनियाद पे फिर जो सुन्नी मुसलमान है वो नो पीरों ने कहा यार तुम जाओ लड़ो, वो कौन से हमारा खलीफा है, वो भी मैंने आपने किताब में जिक्र किया है। इसमें सर इंटरेस्टिंग तो इस्लाम के नारे के बगैर, मौलवियों के पार्टिसिपेशन के बगैर और मुस्लिम लीग अलीगढ़ मुस्लिम लीग के स्टूडेंट्स की मदद के बगैर और एडमिनिस्ट्रेशन की बैकिंग से के बगैर पाकिस्तान बाहर नहीं था सकता। इसमें आपने अपने बच्चों को कत्ल होते देखा हो, उनका मतलब इस्लाम है और उधर हिंदू सिख, हाँ जी, तो आप कहें कि ये यहाँ पे अब सारे आज से ये मैंने ये कह दिया तो ये ऐसे होगा, ऐसे कहाँ होता है। और उसकी वजह ये है, ये भी एक बहुत आज ये एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जनाब साहब की स्पीच को सप्रेस कर दिया गया। एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट लाई। आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज कि स्पीच को तो उन्होंने कर दिया क्योंकि वहां पे डिग्निटरी आए हुए थे। और एक और वजह भी है जो किताब में आएगी, अब सारी मैंने बातें नहीं आपको बताना। इसमें मैं एक एनेक्डोट मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग लगता है इस हिस्ट्री के बारे में, वो ये है कि इसी टाइम जब पाकिस्तान मेजॉरिटी का फैसला करना था तो मौलवी लोग काउंट कर रहे थे अहमदियों को मुस्लिम, क्योंकि उनकी मदद से कुछ एरियाज मुस्लिम मेजॉरिटी हो रहे थे। ठीक है, तो जब मौलवी से कर रहे, मौलवी चुप थे, बट आई मीन द स्टेट जो हम आर्ग्यू कर रहे हैं, मुस्लिम लीग ने किया था, बल्कि उनके जो है बड़े खलीफा उनका प्रो पाकिस्तान बयान भी है। जी जी, मौलाना मौदूदी का बिल्कुल इसके खिलाफ है कि ये पाकिस्तान। तो सर आपकी जो सारी बातें, मुझसे ये भी किसी ने एक सवाल पूछा था कि हाउ डिड कायदे आजम मेक अ कनेक्शन विद द लोकल्स, क्योंकि वो तो आपने भी जिस तरह कहा बिल्कुल ही अंग्रेज लगते थे, उनको जबान भी नहीं आती थी। अगर उसी बात को आपकी बात से जरा जोड़ा जाए और एक तारीख को भी देखा जाए, इवन दो बड़े कंटेंशियस फिगर हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उनका एक किताब है बिटवीन द मॉस्क एंड मिलिट्री, हुसैन हकानी की, जिनकी हाइपोथेसिस यही है कि मॉस्क और मिलिट्री कनेक्शन जो है वो मौलवियों से ही बनता है। तो सर क्या ये भी कहना फिर दुरुस्त होगा कि कायदे आजम की जो लोकल सपोर्ट या लोकल पॉपुलेशन में उनकी मारूफियत जो है वो मौलवियों और एक इस्लाम के नारे को इस्तेमाल किया गया वो बनाने के लिए, वो ऑर्गेनिक नहीं है? बिल्कुल ऑर्गेनिक उनका रिश्ता तो नहीं है, बिकॉज ही वॉज नेवर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भाई। देखे ये तीन चार मैंने एक किताब में उसका जिक्र किया, क्योंकि दीज आर पर्सनल मैटर्स। कहा जाता है कि मौलाना हामिद अब्दुल हामिद बदायूनी, जो कि बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखते थे, कहते हैं कि उनका क्लेम है कि ट्रेन के अंदर मैंने जिना साहब को बताया कि कैसे अपना ये जो है ना रिचुअल्स नमाज के कैसे करने हैं। फिर केएल गाबा, वो हिंदू घराना में पैदा हुए थे लाहौर के, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बाद में मुसलमान हो गए। कुंदन लाल गाबा बिकेम खालिद लतीफ गाबा, उनकी किताब है, वो कहते हैं कि मैं लेके गया 1936 में किस डेट को जिना को और यहाँ बादशाह मस्जिद लाहौर, और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे करना है। तो उन्हें तो यानी नमाज आती थी नहीं थी आती, ऐसी कई एनेक्डोटल स्टोरीज है, बट व्हाट वी नो इज कि वो मिलाद में भी चले जाते थे। जब उन्होंने मुस्लिम लीग का ये पॉपुलर किया तो उन्होंने अपना लिबास भी बदल लिया, कहां अंग्रेजों के सिविल सूट्स और साथ में अचकन और करकुल कैप, ये उन्होंने बनाया ना जी,
दुआ लगी ना ये अचकन और ये सारा, तो उनमें हर वो चीज की जिससे वो काबिल कबूल हो। मुसलमानों का एक अपना सोच है, मैं कहा करता हूं क्योंकि मेरी मैं बेसिकली पॉलिटिकल थियरिस्ट हूं कि मुसलमानों में एक हाई स्टेट ट्रेडिशन है। हम हमेशा यही सोचते हैं, कम से कम जो सुन्नी सोच के कई भी ग्रुप्स हैं, कि अगर स्टेट होगी आपके हाथ में तो आप अब इंसाफ भी कायम कर सकते हैं, मिसाली मुआशरा भी बना सकते हैं। तो ये अपील तो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी होगी ना कि यहाँ पे हम अपने वो मदीने की रियासत के मुताबिक हजरत उमर का दौर लाएंगे, हजरत अबू बकर का लाएंगे, उस हजरत अली का लाएंगे। तो ये नेचुरल सी बात है। अगर मुझे भी कोई पूछे कि गोल्डन ईरा मुसलमानों का कौन सा बनता है तारीख में, तो वो तो एक मिसाली हुकूमत है ना, चाहे उसकी इकोनॉमिक्स क्या थी, फतुहात की नेचर क्या थी, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। वो वही जमाना था, उसके अंदर जो मिसालें हैं वो आज तक उसका जिक्र होता है। तो एक दफा जब ये आइडिया कैच कर गया ना कि पाकिस्तान का नारा क्या, और वो कहते हैं जी ये नारा तो 70s में बना है, बिल्कुल नॉनसेंस। ये लायल सॉरी सियालकोट के एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, कॉलेज के पढ़ाने वाले, ये उन्होंने कायम किया था। और जॉइंट सेक्रेटरी मुस्लिम फेडरेशन, जो उनका पूरा इंटरव्यू है इस किताब के अंदर, पंजाब वाली क्या नाम था उनका, अभी मुझे खैर आप किताब के अंदर देख लेंगे, उन्होंने कहा जी हमने सारी जगह पे नारे ये लगाए हैं। हाँ उस जमाने में होता था पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाद में जब 70s में ये आया तो तब बन गया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बट इसी नारे के लबैक करते हुए तो लोग आए हैं साथ, कि यहाँ पे एक इंसाफी इंसाफ की बुनियाद पे मुल्क बनेगा और इंसाफ वही होगा जो खुलफा करते आए हैं। तो ये तो बहुत अपीलिंग स्लोगन है ना। जिना साहब ने ये सारी बातें इन्हें डेलीगेट कर दी कि आप वहां करते रहे, मैं वहां बैठ के वही बात करूंगा जो कि एक मुनासिब हो। ठीक है ना। सो दिस इज वेरी गुड पॉलिटिक्स, यू लेट योर पीपल से थिंग्स एंड योरसेल्फ मेंटेन अ डिफरेंट पोस्चर, नॉट क्रिटिकल। रोका तो नहीं ना, होने तो दिया ना। और पीर मानकी शरीफ के साथ जो निगोशिएशन हुई है और जो अग्रीमेंट हुई है वो भी मेरी किताब में सारी आ रही है। जिस ओरिजिनल स्कॉलर का उस पर काम है उनका नाम भी मैंने दिया है, ईमेल के जरिए हमने गुफ्तगू भी की उनसे, पूरी बातें मैंने तस्दीक करा ली और वो पूरी किताब में आ रही है। क्योंकि फ्रंटियर के अंदर यानी खैबर सरहद के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देवबंदियों का होल्ड था या खुदाई खिदमतगार का था। इन्होंने वहां पे एक गद्दी थी, सूफी गद्दी मानकी शरीफ, उनके यंग पीर को साथ मिलाया और पूरा उसने फिर असिफा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जिद्दोजहद जो है ये जिहाद है। और उसके साथ फिर जो जितने पंजाब के ये हैं पीर वहां पे गए, इन्होंने वहां पे कैंपेन की। ये देवबंदी जो हमारे साथ आ गए थे ये भी वहां पे गए, इस्लाम के नाम पे इन्होंने वोट लिया। और जो है कांग्रेस से टूट के मुस्लिम लीग के साथ आए थे, उन लोगों ने भी हिस्सा लिया। तो तब वहां पे इनकी फिर भी ये मेजोरिटी नहीं थी मिली 46 के इलेक्शन में, मगर महल 13 सीटें मिल गई थी, पहले 0-1 भी नहीं थी होती, 17 फिर भी उनके पास थी कांग्रेस के। तो ऐसे हुआ यार। सर इंडिया में ये एक बड़ी रिडक्शनिस्ट सी बात है, मुझे नहीं पता कि इसमें कोई क्रेडेंस भी है या नहीं, बट इंडिया में बड़ा कहा जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो यूपी की साजिश थी। एक बात तो क्लियर है कि लोकल एटलीस्ट कनेक्शन इतना ज्यादा नहीं था, जो लीडरशिप आई है वो इंडिया से आई है, तो लोकल से इतना मे बी शायद कनेक्शन नहीं था। कोई सच है इस बात में या कोई क्रीडेंस है इस बात में कि जी एक यूपी की साजिश थी पाकिस्तान? बात ये, हमारे लोगों को गॉसिप में बड़ा मजा आता है। पूरी तारीख को वो ये उन्हीं का ही है महल, उनसे एसोसिएट किया जाता है जॉन एलिया से, कि ये अलीगढ़ के लौंडों की शरारत है ये इनसे। हाँ
ये उनका कहना है, ये उनका कहना ही है और ये बड़ा पॉपुलर है। अब ऐसे नहीं होता, ये मूवमेंट का गढ़ हमेशा यूपी रहा, बट ये बात सोच रहे कि यह सबको महसूस भी कहीं तो हुआ होगा कि जहां भी पाकिस्तान बनेगा वो यहां नहीं बन सकता। तो ये अगर शरारत थी व्हाटएवर थी तो ये सेल्फ डिफीटिंग थी ना, क्यों से पावर तो मिली ना उनको। ये बात तो सुने, उसमें ये है कि मैं एक दफा इंडिया में गया था तो एक दानिश्वर थे उर्दू के, अच्छे राइटर थे, अब वो वफात पा चुके हैं, कमर रईस। उन्होंने कहा आपको नहीं पता यहाँ पे अंग्रेज ने आके कहा कि जहां जहां मुसलमान कॉन्सेंट्रेटेड है ना वहां पे हम उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे, और उसके पीछे चौधरी रहमत अली का एक स्कीम है, थीसिस है ना उनकी मेरे ख्याल से। वो थीसिस ये है कि एक सिद्दीकिस्तान होगा, एक फारूकिस्तान होगा, एक हैदरस्तान बनेगा यानी हैदराबाद दक्कन हैदरस्तान होगा, एक उस्मानिस्तान बनेगा, और ये उन्हें कहते हैं एनक्लेव्स, जहां जहां मुसलमान होंगे वो एक छोटे छोटे मुल्क बन जाएंगे। तो ये आइडिया अंग्रेजों ने इस किस्म के आइडिया सब फैलाए होंगे ना इनको ये बरगलाने के लिए कि यार आप इसको सपोर्ट करें, लेकिन ये तब तक नहीं हो सका जब तक कांग्रेस से बहुत बड़ी गलती नहीं हुई 1936 में। इन्होंने ऐलान कर दिया कि जब हम एक फ्री इंडिया बनेगा तो हम बड़ी जिम्मेदारी खत्म कर देंगे, हम सोवियत प्लानिंग के जो मॉडल हैं वो सोवियत यूनियन हमारी होगी एक इंस्पिरेशन, ऐसे हम इंडिया को। तो तब यहाँ के लैंडलॉर्ड्स ने कहा भाई अपनी जान बचाओ आप। तो ये जो है पंजाब की पंजाब यूनिटिस्ट पार्टी से मुस्लिम लीग में आ गए, सिंध से इन्होंने ले लिए, और जैसे मैंने बताया आखिरी स्टेजेस पे आके इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी अपनी एक, बलूचिस्तान तो तब प्रोविंस था ही नहीं, वो तो शाही जिरगा था क्वेटा के साथ, वो उसने पाकिस्तान के हक में दिया, ये सब ट्राइबल लॉर्ड थे। और कलाद जो है वो एक और एक एक प्रिंसी स्टेट्स अलग एक फॉर्मेशन थी। सर ये गलत है, लोग कहते हैं बलूचिस्तान और कलाद तो हमने एनेक्स किया था, ये बात गलत है। नहीं, कलाद को एनेक्स किया, बलूचिस्तान जो ब्रिटिश बलूचिस्तान था वो तो जिरगे ने फैसला पाकिस्तान के हक में किया था। देखिये क्वेटा और इसका इलाका जो है ना, जो जहाँ पे पख्तून है ज्यादा, ये अंग्रेजों के तहत ही था, महल कमिश्नर के तहत, इसे प्रोविंस का दर्जा नहीं था दिया गया। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें से सबसे बड़ी थी कलात, उसके साथ लस बेला और खैरान और दो तीन और छोटी छोटी स्टेट्स है, अब नाम आगे पीछे भी हो सकते हैं। ये तो इनका तो था कि ये फ्यूचर अपना खुद डिसाइड करेंगे। तो खान ऑफ कलात वॉज अगेंस्ट ज्वाइनिंग पाकिस्तान, 11 अगस्त को उसने आजादी का ऐलान भी कर दिया था। फिर उस पर प्रेशर डाला गया और सबसे पहले फौजें पाकिस्तान की घुसी हैं वहां पे, आई थिंक 25th मार्च को या पहली अप्रैल को ये कम से कम कलात सिटी में या शहर में आ गए, और इन्होंने उसे मिलिटेरिली एनेक्स किया है। कायदे आजम की डेथ हुई है 11 सितंबर को, 13 सितंबर को इंडिया ने अपनी वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैदराबाद दक्कन में भेज दी, वो भी आजाद डिक्लेयर कर रहे थे, उन्होंने उसको अनेक्स कर लिया। कश्मीर का तो आप जानते हैं केस क्या है। हाँ जी सर, इसके बाद 1940 में भी जो उसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कह दिया गया, उस टाइम लाहौर रेजोल्यूशन कहते थे, उसका भी हमने टेक्स्ट चेंज किया। उसका भी जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो पाकिस्तान का वो प्लान देते हैं, विजन देते हैं, वो कहते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो उनका भी मॉडल यही था कि अलग अलग रहेंगे, बट जिस तरह मे बी शायद यूनाइटेड स्टेट्स का है कि स्टेट सॉवरेनिटी फिर भी आप मेंटेन करेंगे, तो उनका भी शायद पाकिस्तान का इनिशियल आइडिया यही था कि इंडिपेंडेंट स्टेट, सबकी अपनी अपनी स्टेट्स की आजादी है। देखिए हर चीज की एक शुरू होती है और उसकी फिर एक इवोल्यूशन होती है। 1940 तो वो पहला मौका है ना कि ये सब प्रोविंसेस में 37 के इलेक्शन के बाद घबराए हुए लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया और वहां पे कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ा, क्योंकि ये जो साथ इनके आए थे वो इन मेजॉरिटी प्रोविंस के लीडर्स और यूपी के, ये वो, ये अभी तक अपनी जो इंडिविजुअल हैसियत है उसको
जम करने के लिए तैयार नहीं थे हुए, तो वो तो एक कॉम्प्रोमाइज था। और वाकई उसमें लिखा है वुड बी सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट, सो इट वॉज अ नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स। और मजे की बात यह है कि बंगाल तो सिर्फ अप्रैल 1947 में फैसला हुआ कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, वरना दो स्कीम्स थी वहां, एक नाजमुद्दीन की और एक सोहरवर्दी की। सोहरवर्दी वांटेड टू जॉइन विद द बंगाली लीडर्स एंड क्रिएट अ ग्रेटर बंगाल। सोहरवर्दी नाजमुद्दीन जो ऑपोजिशन थी मुस्लिम लीग के लोगों की, दे वांटेड के बंगाल की भी पार्टीशन हो और ईस्ट बंगाल जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो ये तो अप्रैल 47 में जाके हुआ, उसका तो यही था कि वो एक अलग पाकिस्तान वो होगा अगर बना, और हमारा पाकिस्तान अलग होगा, इनका एक होना तो कभी था ही नहीं। अलबत्ता पाकिस्तान का जेनेरिक नाम कहते हैं, एक टोटल नाम फॉर ऑल दिस बार बार लिया गया उससे पहले भी, लेकिन उसकी फाइनल शेप क्या बनेगी वो तो 3 जून 1947 और उसके बाद बंगाल असेंबली और पंजाब असेंबली का 20 या 21 जून और 23 जून को जो है पार्टीशन के हक में, और फिर 18 जुलाई 1947 एज लेट एज दैट को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वहां पे फाइनली डिसाइड हुआ कि ये ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा। तो एवरीथिंग वाज इन केप्ट इन क्या कहते हैं सस्पेंशन सस्पेंड सस्पेंस में, आई एम सॉरी, दे वर ऑल इन सस्पेंस, क्योंकि फैसला तो अंग्रेज ने अपने इंटरेस्ट में करना है ना, कि मुझे जाना है मेरा बेस्ट इंटरेस्ट कैसे सर्व होता है। एक और स्कीम भी आई थी और वो बड़े लॉयल ब्रिटिश जो थे अपना लास्ट बिफोर पार्टीशन जो थे चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं आप, उन्हें प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था, सर खिजर याद टिवाना की थी कि आप यूनियनिस्ट पार्टी वाले थर्ड डोमिनियन बना दें पंजाब की, यूनाइटेड पंजाब की। मगर अंग्रेज ने जो फैसला कर लिया था वो यही था, आइदर यूनाइटेड इंडिया बेस्ड ऑन देयर कैबिनेट मिशन प्लान विच मेंट अ वीक फेडरेशन, मोस्ट पावर इन द प्रोविंसेस और स्टेट्स इंडिपेंडेंट, और देन दे डिसाइडेड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान बट मॉथ ईटन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू मिस्टर जिना। दिस इज अल्टीमेटली, यही तो इन सारी बहस में है, वो कहते हैं एक फैक्टर होता है जब आप साइंस की वो बनाते हैं उसके बगैर वो पूरा फॉर्मूला नहीं बनता। ये ब्रिटिश जो है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उसको गाइडलाइन पे करते हैं, और कभी जिना को गालियां देते सुना देते हैं टू एंड गांधी, उधर से उनकी जो है तनकीद वो सुना देते हैं, बट हु वाज गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड व्हाई वुड दे नॉट डू इट इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, यू टेल मी। एक इंपीरियल पावर जब जाती है तो अपने बेस्ट इंटरेस्ट को सिक्योर करके जाती है ना, दिस इज मोस्ट नेचुरल। भाई मैं तो कहता हूँ जिना साहब सब भी हाथ ही हो गया ना इन द एंड, उन्होंने साथ तो दिया अंग्रेजों का, लेकिन जो चाहते थे वो तो अंग्रेजों ने नहीं ना दिया। और याद रखो ये सारे एक फैक्टर में, जैसे हमने आज जिक्र नहीं किया, 1/3 मुसलमान वहीं रह गए ना जी, हिंदुओं के रहम करम पे, जिसको आज हम अपना सीना पीटते हैं कि ये जुल्म हो रहा है, तब तो नहीं होने दिया गांधी जी ने और नेहरू ने। नेहरू पे तो यही है इल्जाम ही सारा ये लगा कि ये अपना हाँ था, और कुछ लोग तो ये भी सब कहते हैं कि ये औलाद ही मुसलमानों की है, ये सारे मुसलमान थे 1857 के गदर में थे, जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपने को कश्मीरी पंडित बना दिया। किससे मैंने सुना था, जंग संघ के जो लीडर थे और वो गुजरा वाले से थे पीते, बलराज आई फॉरगेट हिज सरनेम, तो ये तो वहां पे बड़ा मशहूर है कि ये तो है ही मुसलमान, ये तो कभी हिंदू थे ही नहीं, और ब्राह्मण होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो गोश्त खाने वाले हैं, बीफ खाते थे अपना मोतीलाल नेहरू और नेहरू और ये सारे जो हैं, इनके उर्दू बोली जाती थी। आप नेहरू की स्पीचेस देख लें,
हिंदी के तो जो एक दो लफ्ज लेता है जोरों लेता है, सारी उर्दू बोलता है वो। तो ये सारी कहानी जो है भाई, जिना बुक इज आउट वेरी सून, जबरदस्त एंड आई होप द पब्लिक गिव्स इट अ फेयर रीडिंग। सर जब जैसी आपकी बुक आएगी इंशाल्लाह हम शेयर भी करेंगे आपसे, तो जितनी बातें की जाए कम है, लेकिन हमने आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया है। इंशाल्लाह फिर कभी आपने वक्त दिया तो आजकल पाकिस्तान में क्या हो रहा है या इंडिया में क्या हो रहा है या मोदी का क्या हाल है वो भी डिस्कस करेंगे। हाँ जरूर जरूर। अगर इजाज़त तो मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। आपने जो ये सारा सारा ताना बाना बनाया है कहानियों का, इसमें एक जना साहब का फैसला मुझे नहीं समझ में आता। अगर इन सब की हम ट्रेजेक्टरी फॉलो करें और okay. शायद इस फैसले की हमने बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है पाकिस्तान ने, तो जिना साहब का जो फैसला था कि माउंट बैटन गवर्नर जनरल पाकिस्तान नहीं बनेंगे, और ये बहुत लास्ट मिनट जिना साहब ने माउंट बैटन बताया जिसमें उनपे गुस्सा भी आया। तो अगर हम कहते हैं कि वो ब्रिटिश के साथ थे, हमने साथ मिलकर प्लान बनाया, गैरिसन स्टेट होगा ये, तो ये एक लास्ट मिनट जिना साहब का डिसीजन ये क्यों लिया गया, ये मुझे तो समझ नहीं आता एटलीस्ट। हाँ मैं तो कह रहा था कि ब्रिटिश वर विद कायदे आजम जिना एज लॉन्ग एज जिना सूटेड देम, इसको नहीं आप समझ रहे। अच्छा, जिना वाज नॉट ऑन हिज टर्म्स, टर्म्स ऑफ फ्रॉम द ब्रिटिश, यानी 1940 में ये बहस शुरू हो गई कि इन्होंने कहा ललित गो के आप ओपन बयान दें कि अगर मुसलमान और मुस्लिम लीग हमारी मदद करते हैं तो जब जंग खत्म हो जाएगी तो मुसलमानों का सेल्फ डिटर्मिनेशन आप पूरा करेंगे। द ब्रिटिश गेव हिम दैट चॉइस कि कैसे हो सकता है कि जब हम यहां से जाएंगे तो एक माइनॉरिटी के इंटरेस्ट का हम ख्याल ना रखें। सो इवन एट दैट स्टेज व्हेन जिना वाज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, द ब्रिटिश वर नॉट विलिंग टू गिव हिम सच एन एश्योरेंस। व्हाई वुड दे ऑलवेज हैड अ चॉइस कि कोई कोशिश करें कि कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें या कुछ यूज जिना ओनली टू द पॉइंट जिना सूटेड देम, एंड जिना वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। जंग खत्म हो गई, हिटलर की डिफीट हो गई, और अब वो इनकी बात क्यों मानेंगे, वो वही करेंगे जो वो समझते थे कि बर्तानिया का आने वाले जमाने में भी रोल होगा एज ए ग्रेट पावर। वो उस इल्यूजन का हिस्सा बन गए, डिल्यूजन का, और पता लगा कि वो तो बैंकरप्ट हो गए थे। अमेरिका देता था उनकी सैलरी उनके अफसर्स की, उन्होंने किक आउट करवा दिया। हाँ, माउंटबेटन वाज एन आउटसाइडर ऑफ दिस कॉलोनियल ऑफिस, वो तो एक ही वाज अ सॉर्ट ऑफ पार्टी गोइंग मैन और ये और वो, नेवी के हेड और ये वो। उनको लाया गया कि ये अंग्रेजों की जो चार्म है, वो इज अ गुड लुकिंग मैन, अट्रैक्टिव, जैसे वो चाहेंगे वो अपना करवा लेंगे। ही वॉज प्रो कांग्रेस, ही वॉज प्रो कांग्रेस, मगर कांग्रेस के लिए वो अपनी ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को तो नहीं ना कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। कोई गॉसिप भी है कि नेहरू के पर्सनल रिलेशंस थे माउंटबेटन की फैमिली के साथ। दैट्स राइट, एंड आई एम श्योर ही हैड सिंपैथी, उसने कहा भी है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। यानी कि उनकी वजह से ही ये जो प्रेशर डाला गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं या इंडिया का हिस्सा बने या पाकिस्तान का, ये माउंटबेटन की प्रेशर है। वो बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया के हक में नहीं था। कुछ राइट विंग अंग्रेज जो थे वो इसके हक में थे कि प्रिंसली स्टेट्स को फिर हम इंडिपेंडेंट कर देते हैं और यहाँ पे वापस आ जाते हैं एज एडवाइजर्स। वो एक और बहस शुरू हो गई है अब आपके साथ। हाँ, आपका सवाल ये था, क्या था जरा दोबारा? कायदे आजम का जो फैसला था और काफी लास्ट मिनट फैसला था कि माउंटबेटन गवर्नर जनरल पाकिस्तान नहीं बने, तो इन्होंने ये फैसला इसलिए किया या किस क्यों किया, वी डोंट नो, मे बी ही डिडंट ट्रस्ट माउंटबेटन, यही लग रहा है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आप ये देखें, मैंने उसके बाद किताब में शो किया है कि इस झगड़े के बावजूद 4 अगस्त को, विच इज मच लेटर, ये हुआ था I think 4th July को, when Mountbatten was still Viceroy of India, उसने जब वो हुआ ना किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी आर्ममेंट की, और ये उसने कहा कि पाकिस्तान को फ्रंटियर के इलाके में जो है ना ये बागी कबीलों, उनके लिए एयरफोर्स की जरूरत है, तो इंडिया पाकिस्तान को प्लेन एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट ज्यादा दिए जाए प्रपोर्शन से, और
इंडिया का जो है वो कोस्टल एरिया पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, तो जो कोस्टल जो है ना नेवी शिप्स वो ज्यादा हिंदुस्तान को दिए जाए, प्रोपोर्शन रखा 30-70-30, कुछ लोग उसको भी कहते हैं, थोड़ा सा उसमें भी फर्क पड़ जाता है अगर अब ये दोबारा कैलकुलेट करें तो। माउंटबेटन और इमेजिन, उसके बाद माउंटबेटन की मदद से जिन्होंने अपील की कि आई वांट सर जॉर्ज क्या नाम है यार, ही वाज के वापस आए एज गवर्नर ऑफ फ्रंटियर, ही हैड रिटायर्ड एंड गॉन बैक इन 46, बट ही वाज वेरी एंटी कांग्रेस एंड जिना वांटेड हिम बैक। माउंटबेटन ने फिर उसे प्रेशराइज किया कि आप जाएं वापस, बिकॉज माउंटबेटन कुड ओनली हेल्प सिंपथाइज विद इंडिया और कांग्रेस टू अ पॉइंट, ही वाज सिंपली रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश। तो उनका ओवरऑल इंटरेस्ट तो यही था ना कि पाकिस्तान बने और अफगानिस्तान से पख्तूनिस्तान की मूवमेंट को डिफीट किया जाए। ये पहले से उनकी मूवमेंट थी, फकीर ऑफ इप्पी और ये वहां पे बगावत की हुई थी, उनको ये बम्बार्ड करते थे ब्रिटिश भी, सो दे गेव मोर फाइटर एयरक्राफ्ट टू पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली हमारी आज तक फ्रंटियर में यही पॉलिसी है जिसका हमने बहुत बड़ी कीमत दी है। Mountbatten also told Jinnah that you will pay a huge price for this decision. Why did he do that? एक तो है ना उन्होंने, क्योंकि ये है रिकॉर्ड पे है, so we have to admit it, कि जब आप देखें ना पार्टीशन, एक तो डेट और वो भी डेट कट कर लें, 14 तक दोनों तरफ अभी इंडिया का रूल, अंग्रेजों का रूल था, 15 को पावर ट्रांसफर हुई है, 15 के बाद इफ Mountbatten इज नॉट वाइसरॉय ऑफ द होल of both Pakistan and India, then he must represent the interest of the state of him, of which he is the Governor General. के बाद तो उसकी neutrality zero हो जाती है ना? He was neutral until the 14th. ठीक है, लेकिन जो mass killing हुई है 5,000 से, मैं कहता हूँ 800,000 तक लोग पंजाब में मारे गए हैं और overall 1,000,000 से ज्यादा लोग, ये तो बात क्या हुआ है? By that time he was bound by being the Governor General of India, not of Pakistan. हाँ, अगर वो दोनों तरफ रहते तो शायद वो ब्रिटिश ट्रूप्स को भी उनको लाना पड़ता और कोऑर्डिनेट किया जाता, बट नॉट आफ्टर 14th of August भाई, डोंट यू, ये रिफ्लेक्ट नहीं लोग करते। तो जिन्ना साहब पे ये तकीद बहुत मुनासिब है, क्योंकि देखें इन्होंने बाकी तो अंग्रेजों पे पूरा ही एतबार किया है, तीनों हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन्होंने अंग्रेज रखे और प्रोपोर्शन वाइज इंडिया से बहुत ज्यादा इन्होंने अंग्रेज अफसर रखे अपनी फौज में और गवर्नर रखे, यानी पंजाब का गवर्नर सर फ्रांसिस मूडी को बनाया और बंगाल का गवर्नर जो है वो भी एक अंग्रेज बना, हाँ जी, और फ्रंटियर का भी बना, यानी ये हाँ सर जॉर्ज कनिंग है गवर्नर भी इन्होंने वही बनाए, और जो अपने इकोनॉमिक एडवाइजर भी रखे वो भी अंग्रेज थे। इसके अगर आप चेक कर लें इंडिया में तो उन्होंने बाई 14 को भगा दिया सारों को, वो तो ट्रांसफर ऑफ पावर तक ही उन्होंने किया मजबूर इनके यार, वरना ये ना हो कि अंग्रेजों का सारा जो है उधर पाकिस्तान के हाथ में आ जाए। इट वॉज डन ओनली टू प्रिवेंट दैट, मे बी शायद इसी वजह से इन इदारों में हम अब तक कॉलोनियल लेगेसी देखते हैं, स्पेशली मिलिट्री में। देखते हैं ना पाकिस्तान का मसला ही है, आप देखें हिंदुओं से हमारी इतनी नफरत की कोई बुनियाद नहीं है, एक्चुअली तो हमारे मुगल और यही हुकूमत वहां पे करते रहे हैं यार, महकूम से आप इतना तो नहीं नफरत करने का हक, जिन्होंने आपसे उस्मानिया खिलाफत उस्मानिया छीक निश्चीनी, जिन्होंने सारे मुसलमानों को जीरो कर दिया, यानी है उनको उनके आप गोद में जाके बैठ जाते हैं, तो आप तो इस धरती के साथ खुद भी कोई लॉयल्टी नहीं रखते। खैर हिंदुओं का कास्ट सिस्टम है, मैं उन्हें बार बार कहता हूं अगर ये ना होता तो ये सारी मुसीबतें भी ना होती, तुम अपने लोगों को ही अपने मतलब नहीं देते थे, तो जब दूसरे मजहब आए उन्होंने कहा कि यू आर वेलकम तो लोग उधर भी चले गए, ऐसे भी है। लेकिन कांग्रेस ने कभी हिंदू मत नहीं बनाना,
हिंदू राष्ट्रानी बनाई, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, उनके रिफॉर्म देख लें। तो कांग्रेस पे ये इल्जाम भी बेबुनियाद कि वो हिंदू राज कायम करना चाहते थे। और जहां पे नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में जो एंट्री पॉइंट्स हैं टू द सबकॉन्टिनेंट, समुद्र छोड़ दे, हाँ जी हजारों साल से तो इधर से ही आई है ना फौजें, जी जी तो मुसलमान थे। और इंडियन जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें मुसलमानों की उसका परसेंटेज टोटल ओवरऑल इंडिया में थी 25%, लेकिन उसके अंदर 38-42% फौज जो थी मुसलमानों की थी। पुलिस के अंदर पंजाब के अंदर जहां पे 57.1% थे मुसलमान, 73% पुलिस मुसलमानों की थी। और यूपी जहां पे 14% या 15% ज्यादा मुसलमान थे, 50% पुलिस जो थी वो मुस्लिम थी। अंग्रेजों का यही तर्ज था कि जहां देख रहा सीरिया के अंदर उन्होंने अलवाइट्स को फ्रेंच ने हमेशा वुकत दी, इराक के अंदर सुन्नी अरब्स को दी हालांकि मेजोरिटी वहां पे शिया है, और इंडिया के अंदर पुलिस और आर्मी के अंदर सिखों को और मुसलमानों को डिस्प्रोपोर्शनली ज्यादा रखा क्योंकि मेजोरिटी हिंदू है। दिस इज हाउ इंपीरियलिज्म ऑलवेज वर्क्स। एक मिलिटेंट रेसेस की भी उनकी एक आर्ग्यूमेंट थी कि ये मिलिटेंट रेसेस है। चलो अच्छी बात है ना, तो मिलिटेंट रेसेस अपने लिए ना हुए, अंग्रेजों के लिए हुए ना यार, ये बात कमाल की है। मिलिटेंट अपने लिए होते हैं, जैसे कि मौलाना महमूदुल हसन थे, अपना उबैदुल्ला सिंधी थे और हुसैन अहमद मदनी थे जिनकी हम बहुत कदर करते हैं, तो हम उसको तो मानते हैं। मुसलमानों ने बहुत कुर्बानी दी हिंदुस्तान की आजादी के लिए और उनको फांसियों पे भी चढ़ाया गया। अशफाकुल्ला खान का नाम एक है, इसके अलावा बहुत है। तो मैं तो हिंदुओं से कहता हूँ ये आप भी देखें, मुसलमानों का इस आजादी में पूरा एक हिस्सा है, और अगर आप नहीं मानते तो ये आपकी कमजोरी है। अब ठीक है मुस्लिम लीग आखिर में बाजी जीत के ले गई, लेकिन उसमें अंग्रेज की फिर पूरी पॉलिसी भी तो आप देखें ना, जो रूल कर रहा होता है वो हथकंडे हर इस्तेमाल कर लेता है यार, ऐसे भी हुआ है। ये हुआ कि नहीं कि सारे जो मुसलमान वहां पे रह गए इंडिया में, तो अब वो बेबस है ना, अगर वहां की स्टेट हिंदू राष्ट्र बन जाए और वो भी लॉ बना दें कि ये तो मिलिच है, हाँ जी ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, तो कहां जाएंगे आप मुसलमान जो है। इंडिया सेकुलर ही रहे और हिंदू राष्ट्र ना बने, इसी में हमारी खुशी भी है और इसी में मुसलमानों की बका है। पूरे हिंदुस्तान में कोई चांस नहीं था कि कांग्रेस चाहती भी तो एक हिंदू स्टेट बना सकती, और कोई एविडेंस ही नहीं है कि उन्होंने कभी हिंदू स्टेट बनाने की कोशिश की। एंड आई एम कोटिंग जिना एक्चुअली सेइंग, ये क्या बकवास करते हैं आप लोग, कभी हिंदू ऐसी भी स्टेट बना सकते हैं जो दो दिन नहीं चलेगी, ये भी बयान है भैया, जो किताब एक तो पढ़ लेना। तो अपने दिए हुए बयान के तो इन्होंने बाद में उन्हें उसके खिलाफ चले गए। Why? That I explain in the book. I think that's as good a teaser as any. Inshallah, sir, आपकी किताब आए, please वापस आइएगा. In fact, आप जब आना चाहें, I think conversations like this are very important, especially हमारी अगली generation के लिए जिनको गलत तारीख बताई जा रही है. शायद हम कल सही ना हो जाएं, लेकिन तारीख अगर सही करें तो वो सिलसिला एक शुरू हो जाएगा. Unfortunately, जिस तरह मैं जानते हो क्या कहना चाहता हूँ, आज पाकिस्तान कायम है, इसके पास मतलब वेपन्स हैं, पाकिस्तान की आर्मी मिलिट्री एक अग्रेशन को रोक सकती है, और अगर कमजोर हो जाए तो न्यूक्लियर वेपन्स भी हमारे पास है। कोई नहीं चाहता पाकिस्तान को खत्म करना या कम, हाँ ये यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर्स टेररिज्म करें ये करें, दुनिया के लिए एक मुसीबत है, आप उसको ख़त्म कर दें, आप इंटरनेशनल लॉ की जो रूल्स हैं उसके मुताबिक अपने मुल्क को अपने लोगों को सर्व करें, और इंडिया के साथ आप ट्रेड को नॉर्मलाइज कर दें, जिसमें आपका तो नहीं फायदा हो 50-50% का, और हो भी सकता है, उसमें बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं। सारी दुनिया के साथ जो ट्रेड लैंड ट्रेड है वो पाकिस्तान के जरिए होगी ना जी सर, तो यू आर नॉट इन अ वीक पोजीशन एट ऑल, यू आर आइडियोलॉजिकली इन अ ब्लाइंड स्पॉट। पाकिस्तान का बेस्ट इंटरेस्ट यही है कि ये कायम रहे, मजबूत रहे,
और ये इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करे, और वो तभी हो सकता है कि आप इस सब कॉन्टिनेंट में ही अपनी फ्यूचर को देखें। हम पाकिस्तान को उठा के कहीं नहीं लेके जा सकते, वी आर नॉट अरब्स एंड अरब्स डोंट एक्चुअली एक्सेप्ट अस एंड व्हाई शुड दे भाई। सर हमें तो लगता है अर्तुगरुल हमारे चाचा थे, अर्तुगरुल हमारे मामू हैं। अब ये देखो ना, ये फजूलियात का दौर है, इन्हें कहां से कहां ये ढूंढ लाते हैं लोग। इनके अपने बड़े कुछ नहीं थे यार। मैं तो ये भी कहता हूं 95% जो है हमारे यहाँ के लोग, उनके बुजुर्ग कुछ जनरेशन पीछे हिंदू या थे या कुछ थे, तो वो सारा हमें यहाँ तक लाने में उनका रोल जीरो हो जाता है। आप अपनी धर्म जो हिंदुइज्म की नेगेटिव चीजें हैं उनको आप अपने में देखना, कास्ट सिस्टम को ना रखें। रसूलुल्लाह का जो आखिरी खुतबा है उसकी बुनियाद पे बनाए ना फिर एक पाकिस्तान, वो तो है नहीं कहीं। अभी भी लैंडलॉर्ड जो है अपने इलाके में एक टेरर है, पुलिस जो है किसी शरीफ आदमी को लिटा के छितर मारती है। तो ये सब बातें करने के हद तक तो मुझसे बेहतर बातें ये कर सकते हैं। हकीकत क्या है कि जहां पे इंसान के बेहुर्मती हो, उसके हकूक पूरे ना हो, वो हिंदुस्तान हो या वो पाकिस्तान हो या वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, दे आर ऑल टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। सबसे पहले अव्वल इंसानों की बहबूदी जो है वो आनी चाहिए, और वो अमन से आ सकती है। ये मैं जो बातें करता हूं ये हर शरीफ आदमी को इजीली समझ आ जाएंगी। यार आप इंडिया से कौन सी चार जंगे करके कश्मीर कितना आजाद करा लिया आपने, आप करवा लेंगे? सो कश्मीर जो उनके यार आई एम सॉरी टू से इज देयर्स, जो हमारा है उसको तो आप इंटीग्रेट करें, उसे प्रोविंस बना दें और फिर हम नेगोशिएट करें, जो कि कसूरी प्लान भी था कि आने जाने से ट्रेड होगी, कश्मीरी एक दूसरे को मिलेंगे। हम पंजाब में भी आके हजारों लोग अपने कहते हैं जी हमने फातिहा पढ़ना है अपनी वालदा की कब्र पे, कोई हुशियारपुर से है, कोई अमृतसर से है, कई लोग ये अरमान लेके मर गए। मुझे तो ये पता है क्योंकि मैंने रिसर्च की हुई है। जी जी आपके इंटरव्यूज हैं सर। लोग अपनी धरती से उतना ही प्यार करते हैं जो कि एक मुनासिब होता है। रसूलुल्लाह भी कहते हैं मदीने में रहते थे लेकिन मक्का के लोगों के साथ उनकी एक खास एसोसिएशन थी, और देखे खलीफा भी उनके कुरैश से ही बने ना। तो ये जो अफिनिटी रहती है भैया ये हमेशा होती है, आप इसको ना माने तो ये आपकी एक फरार है ना। सौ फीसद आप बिल्कुल सही बातें कह रहे हैं सर। शायद आप फरुख खान साहब डॉक्टर को भी जानते हो, लम्स में पढ़ाते थे, ही आल्सो केम ऑन द पॉडकास्ट, उससे भी हमने यही डिस्कस किया था उनसे कि जो रीजनल आइडेंटिटीज है वो जानबूझ के दबाई गई हैं ताकि एक फेक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट किया जाए। जिस तरह आपकी सारी रिसर्च में ब्रिटिश का एक एक्स फैक्टर इग्नोर हो जाता है, शायद इन बातों में एक हमारा एक्स फैक्टर पाकिस्तान में इग्नोर हो रहा है कि कौन से इदारे हैं जो चाहते नहीं हैं हिंदुस्तान से दोस्ती हो, और वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी है उस चीज में कि बजट नहीं मिलेगा जब तक एक इंडिया एक एनिमी ना रहे। तो क्या कहा फरुख खान ने? सर यही डिस्कस हो रहा था कि जानबूझ कर एक स्ट्रेटेजी के तहत रीजनल आइडेंटिटी, जैसा आपने भी कहा, शुरू कर दी है क्योंकि ये सारी बातें मेरी हैं जो ये अब सब कर रहे हैं। ये सारी कहते हैं ना फ्रंट पे कौन ये बातें लेके आया है, अब ये सब कर रहे हैं एक के बाद एक। मैं तो उसे अच्छी तरह जानता हूँ सर। ये सारी लम्स के लौंडो की शरारतें तो नहीं है सर? ये लौंडो की शरारतें हैं जो आज तक ये कर रहे हैं, कोई यहाँ बैठा है कोई वहां बैठा है, ये सारी आपकी शरारतें। जिन्ना को सफर बना देते हैं, कभी उसे कहते हैं कि वो तहज्जुद पढ़ते थे, यानी यू कांट इवन एग्री कि वो क्या करते थे यार। व्हाट नॉनसेंस इज दिस। जवाहरलाल नेहरू का तो ये है कि व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर और सोमनाथ को उन्होंने रिस्टोर किया तो उसके पास आए कि आप चल के उसकी वो इफ्तिताह करें। ही सेड आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो ही रिफ्यूज टू गो देयर। The president of India was angry with him. I think it was Rajendra Prasad or somebody. I don't remember now. Lekin stand liya ke nahi liya? To ye hota hai statesmanship. From politician you become a statesman. Sir, jaate jaate Imran Khan pe koi taasurat hain aapke?
यार देखे, मैंने जब वो आए थे तो आई वॉज एक्चुअली वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम कि यार ये बंदे का कम से कम कोई करप्शन का मुझे नहीं था पता, और शायद अभी भी लोग कुछ ऐसी बात नहीं करते। ही वॉज सिंसियर, ही लुक सिंसियर। क्रिकेट के भी बड़े जमाने में मैंने उन्हें देखा है, तो मैं उनका वो भी मुद्दा हूं। और वो एक स्ट्रेट बात करने वाले थे, लेकिन वंस इन पावर अजीब अजीब उनके मिनिस्टर हैं यार। पंजाब के कुछ मिनिस्टर अजीब बातें करते हैं, फिर उनको वापस ले लेते हैं, फिर निकाल देते हैं। यही उधर भी होता रहता है। ही डजंट सीम टू बी इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स, और कई उनके बयान जो हैं अननेसेसरी हैं। बट आई हैव टेकन द पोजीशन, जो उनका अच्छा स्टैंड होगा उसको मैं हमेशा सपोर्ट करता जाऊंगा। मेरे पे बहुत तनकीद हुई मेरे लेफ्ट के दोस्तों ने कि यार ये तो तालिबान प्रो तालिबान खान है, ये है वो है। मैंने कहा यार कौन नहीं है, मियां नवाज शरीफ जो है उन्होंने वो 15वीं अमेंडमेंट नहीं थे ला रहे जिससे शरीयत बन जाती। वाई डू यू कीप ऑन हैविंग सिलेक्टिव मेमोरी? पाकिस्तान की सियासत ही ये है कि जब आप पाकिस्तान की लीडरशिप रोल में हो ना ऑफिशियली, आपको इन चीजों को अकोमोडेट करना पड़ता है। यू कॉन्ट स्टे फॉर अ मिनट। तो जो उनकी मजबूरियां हैं वो भी मुझे पता है, मगर आई थिंक ही शुड टेक अ स्टैंड एंड स्टिक टू इट। कश्मीर पे जो इतना अग्रेसिव स्टैंड, वो इट्स नॉट हेल्पफुल। हाँ आप ये कहते हैं कि कश्मीर के लोगों की जो है बातें अकोमोडेट की जाए, हमने कहाँ किया हुआ है? बलूचिस्तान की हुई हमने बातें अकोमोडेट? फाटा में अभी तक बहुत झगड़ा हो रहा है, ये खुद ही बताते हैं कि इतने लोग हमारे शहीद हो गए, तो ये अमन की हालात में होता है। जी व्हाई डोंट वी पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर एंड कंपेल इंडिया टू डू द सेम इन कश्मीर? उन्हें करना भी पड़ेगा, वहां पे बड़ी ऑपोजिशन भी है कश्मीर के ऊपर। कितने इंडियंस ने की है? अब वो मेजोरिटी में नहीं है तो एक और बात है, लेकिन ओपन बहस तो हुई है पाकिस्तान में, किसी ने की है इसके ऊपर कि ये आप क्या वक्त जाया कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर? सर, यहाँ तो कल जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से अगवा हो गए, हमारे यहाँ तो ऐसे हालात हैं। वही मैं कह रहा हूं। अब देखे ना, मैं भी लिखने वाला था कि अगले दिन अब लिखूंगा, पता लगा कि उन्हें छोड़ दिया, तो मुझे चैन आ गया। व्हाट इज दिस यार, आप दुनिया को कश्मीर की बातें करते हैं, मुझे, मैं स्वीडन में रहता हूँ, हाई लिस्ट पे है पाकिस्तान अहमदियों के खिलाफ जो होता रहता है, हिंदू लड़कियों को जो कन्वर्ट करते रहते हैं, हाँ जी क्रिश्चियंस के चर्च जला दिए जाते हैं। यहाँ तो स्वीडन में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मर गए हैं, एक उसका आज महीने तक पता नहीं लगा कि व्हाट इज द रीजन फॉर हिज डेथ, एंड आई एम नॉट स्पेकुलेटिंग कैसे हो सकता है। सो पाकिस्तान ओन रिकॉर्ड इज नॉट वर्थ बीइंग प्राउड ऑफ। पहले। आप कश्मीर के किस, आप जिस मर्जी जगह चले जाएं कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। उन्होंने जो उनके पास था उसी में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए हैं। दे हैव नॉट टेकन एन इंच फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल। सो वही बॉर्डर डिफेक्टो है जो उन्होंने फॉर्मलाइज कर दिया कि ये इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। यही होना था, होना और क्या था। होना भी हमारा जो कश्मीर है आजाद कश्मीर, गुड नेम, मगर वो सारा तो इस्लामाबाद से सारे सीनियर अफसर वहां पे जाते हैं। एवरीबॉडी नोज इट्स एन ओपन सीक्रेट। तो ये जो है ना कि आपको जब एक पब्लिक ऑफिस मिल जाता है, वहां अगर आप ऑपोजिशन के लीडर वाली बातें करनी शुरू कर दें तो देन यू आर नॉट अ स्टेट्समैन। आई थिंक इमरान खान शुड टेक अ डिटैच्ड व्यू, एंड इफ इज रियली सिंसियर करप्शन खत्म करने की, पीपल लाइक अस, मुझे जो मर्जी कहते रहे आई विल स्टिल सपोर्ट हिम। लेकिन वो विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। इनके अपने पता है कई मिनिस्टर आप आगे पीछे हो गए हैं। कोई कहता है आटे का, अब मैंने हर डिटेल को तो मैं नहीं ना फॉलो करता, तो हाउ कैन यू यानी सिलेक्टिवली पनिश पीपल एंड लेट गो योर ओन? कहा जाता है कि इनके कुछ एडवाइजर जो हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन भी हैं और फॉरेन डुअल सिटीजन भी नेशनल, हैं, डुअल है नेशनल सर जी? हाँ जी, कैबिनेट में बहुत जी। ज्यादा लोग डुअल नेशनल सर। हाँ, तो इज दिस अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? आई एम नॉट, आई डोंट थिंक सो। हमारे डिप्लोमेट तो नहीं हो सकते, तो नहीं हाउ कैन अ मिनिस्टर होल्ड सच अ पोजीशन और एडवाइजर?
but I'm not taking a stand because if the constitution permits, then it's fine. जी बट वो यही है कि जिस जिस चीज पे आपने औरों को तनकीद की है आप सारी वो चीजें कर रहे हैं. सो जो तब्दीली का नारा था उस पर एक सवालिया निशान उठता है. और आप जो सिलेक्टिव जस्टिस कह रहे हैं शायद उसमें सिलेक्टिव का जो लफ्ज है वो इमरान खान की तरफ इशारा देता है. बेशक वो जो नजर आता है क्योंकि मैं वही देखता हूँ जो हो रहा है. जी जी मैंने बताया कि मेरी गुडविल इसके साथ ही थी. एक्शन जो लिए गए हैं इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर बनाना ये वो मैंने उसके हक में लिखा भी है अपनी फेसबुक पे और वहां से मेरी ज्यादा चीजें जाती हैं. कभी कभी वो पब्लिश भी हो जाती हैं. जी सर. सो व्हेरेवर ही इज डन द राइट थिंग आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड हिम. ये ऐसी कोई बात नहीं बल्कि जब नवाज शरीफ वाज इन पावर आई स्टिल सपोर्टेड सम ऑफ हिज एक्सलेंट थिंग्स. मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल डिसलाइक नहीं है. आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. 47 में ना बनता तो हम सारे हिंदुस्तान में अपना हिस्सा रखते. अब बन गए तो इसके अंदर इंसाफ की बुनियाद पे प्रोविंसेस के साथ लोगों के साथ अब चलाए अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर. बाकी एक्सपेंडिचर इन्होंने कम कर दिए और उसका फिर भी बढ़ा दिए कंपटीशन विद इंडिया. तो ऐसे तो सोवियत यूनियन जैसा मजबूत दुनिया का पावर कब कलेप्स कर गई है वो फाइनेंशियली नहीं मुकाबला कर सकते थे. इंडियन इकोनॉमी तो आई थिंक 5 times या 8 times ग्रेटर है पाकिस्तान से. जी जी वो कहते थे पुराने जमाने में वो होते थे संतोष कुमार हीरो होते थे और नजर जो थे वो साइड के कॉमेडियन. तो कहते थे कि अगर संतोष गोला फेंकेगा तो नजर भी फेंकेगा. हम क्यों नजर बन जाते हैं यार. वी आर आरसेल्व्स जो अपना करे. वी आर संतोष इन आर ओन कंट्री. हम अपने बेस्ट इंटरेस्ट में जाएं. आप उनके साथ ही मुकाबला कर रहे हैं विच यू कांट विन. मे बी सर यही कॉलोनियल लेगेसी है ना मिलिट्री इंडस्ट्रियल स्टेट की है कि डिफेंस का बजट जस्टिफाई तब होता है जब इंडिया के साथ जंग हो. दैट इज करेक्ट. और शायद इंडिया में भी एक लॉबी है वो भी इससे मजा लेते हैं. उनको भी फायदा होता होगा. ऑफ कोर्स आई थिंक मोदी हैज बीन गुड भी आता है. हाँ जी मोदी हैज बीन गुड फॉर अस इस नैरेटिव को जो चीज. ओह यस मोदी के आने के बाद जो चेंज हुआ है ना कि अब देखना वाजपेयी साहब आ गए थे यहाँ पे और अकॉर्ड भी किया और लाहौर वो पाकिस्तान मीनार पे भी चले गए. इन्होंने फिर बिद में कारगिल कर दिया. मोदी जैसा जो मैन ऑफ द स्ट्रीट्स है गुंडा टाइप आदमी है वो भी यहाँ नवाज शरीफ की पर्सनल कोई शादी थी साथ ही पठानकोट हो गया. तो वॉट चांस. हिंदू नेशनलिज्म कहती है भी ठीक है आपने एक जमाने में हम पे रूल किया अब करके दिखाएं एक इंच भी हमारा लेके दिखाएं. तो अब ये तो हम तो रियलाइज करना चाहिए ना कि टाइम्स आर ओवर. ये तलवार की जंग नहीं है कि स्विफ्ट हॉर्सेस वाली जो फौज है वो आगे बढ़ जाएगी और हाथियों वाली जो है वो स्लो हो जाएगी जिससे ये पहले जीतते रहे हैं. तर से जंग बदल गया है. ये साइबर स्पेस की जंग भी हो सकती है. ये किस दुनिया में रह रहे हैं. YouTube बैन करने की दुनिया में रह रहे हैं सर. आई डोंट नो आपने फॉलो किया कल सुप्रीम कोर्ट कंसीडर कर रहा था पाकिस्तान में YouTube बैन करना. तो ये तो हमारे डिस्कशंस हैं इस मुल्क में. ये यही होता रहेगा. तो हमारे फॉर्मर वो थे अपना सुप्रीम कोर्ट के क्या चौधरी या साकिब निसार. साकिब निसार का साकिब निसार उनकी जब बेटी की शादी हुई है तो सुना वो पूरा डिजाइन वो किसी इंडियन से उन्होंने बनवाया है और करोड़ों खर्च हुआ उसकी बच्ची की शादी पे. तो यार ये तो बहुत ज्यादती है. गरीब का वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो वो डैम बनाता फिरता था वो करोड़ों खर्च कर देता है अपनी एक शादी के ऊपर. ये क्या बात है यार. सर वो अंबानी ने मांग किया तो मुझे समझ आती है वो है ही कैपिटलिस्ट. मगर ये तो पब्लिक फिगर है. ये तो इंसाफ की सीट पे बैठे हैं. इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया. ये तो ये वॉल सिटी के रहने वाले हैं. इनके जो बुजुर्ग थे वो एक उस इलाके में जरा इनकी ठाट थी थोड़ी सी. बट दैट्स ऑल आम मिडिल क्लास जो होती है. सर ये सवाल पाकिस्तान में पूछे नहीं जा सकते. इवन 3-3 crore की गाड़ियां बुक्स में 30 lakh की हो जाती हैं हमारे मुल्क में. तो
तो ये करप्शन थोड़ी है, वो बस उनको 30 लाख की मिली। जब ये मैं गैरिसन स्टेट किताब लिख रहा था तो आई हैड टू गो टू इंडिया एंड टॉक टू दोस पीपल, यू नो आई वाज अमेज्ड। आई मेट वन लेफ्टिनेंट जनरल जो के उनके जिस तरह आईबी मारी है ना उसके बरक्स हेड रहे हैं, वो भी एक हाई राइज बिल्डिंग के छठे फ्लोर पे रहते थे, एक फ्लैट वेल डेकोरेटेड मगर फ्लैट। दो मेजर जनरल मैं गया उनके घर, वो लगता था ये हेड क्लर्क का घर है और उनकी कार वो पुरानी जो होती थी एम्बेसडर वो ही है। एक ब्रिगेडियर के घर भी मैं गया, वो बेचारे ने पैसे बचा के एक हाउसिंग सोसाइटी में नोएडा में घर बनाया था, बिल्कुल मॉडर्न सा। तो वहां पे उनके अफसरों का ये हाल है, और आप हमारी देख लें लेवल ऑफ जिंदगी और जो मरात हैं। अभी हमारे वो क्या कहते हैं जो रिसेंटली कौन थे यार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ या जी, उनको पता नहीं कितने तो मिल गई हैं मुरब्बे या कनाले यार, व्हाट इज दिस। सर मजे की बात ये है कि हमारे लास्ट चार चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तान में रहते भी नहीं है। अच्छा ये भी देखें, इन सारों के जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, सुना है एक जो है वो यानी उसके भाई ने ऑस्ट्रेलिया में गार्डन भी दी है, हाउ फार दिस इज ट्रू और नॉट आई कीप रीडिंग दिस हियरिंग दिस। तो ये क्या है, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत सिर्फ एक वो क्या कहते हैं लफ्जों की गेम है, वेयर इज दैट। हम तो बाहर इसलिए रहते हैं कि मैं अगर आ जाऊंगा तो कोई ना कोई पागल मुझे वैसे ही मार देगा, अगर इन्होंने आईएसआई ने मुझे नहीं मारा और मैंने जो कमाया वो इसी दो बेडरूम के घर में मैं रहता हूँ, जस्ट प्रोफेसर। इनके पास जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके पास जो मरात है, मैंने तो आज तक यू नो इन 46 years आज तक कार चलाने नहीं सीखी। Oh yes, I have no time to learn to drive. I'm not interested. लाहौर में मैं साइकिल पे जाया करता था, यहाँ मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाता हूँ। I don't think that is important. आपको तीन वक्त घर खाना मिल जाए, थोड़ा सा सुकून हो, बाकी आप अपनी दुनिया एक अपनी खुशी भी पूरी करें, अगर दूसरों के काम आ सके तो वो भी पूरी करें। और स्टेट पे तनकीद करना हर इंसान का हक है, बिल्कुल। कोई स्टेट जो है ना वो सेक्रेट नहीं है, सेक्रेट सिर्फ इंसानियत है। जबरदस्त बात, इस पे बात खत्म करते हैं। बहुत अच्छा कंक्लूजन था। आई थिंक सारी बातें इकट्ठा भी इसी तरह से होती हैं, जो आपने ब्रिटिश को जब तक हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक उनकी पॉलिसीज क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और उनकी जो कॉलोनियल लेगेसी अब तक हमारे इदारों में जिंदा है वो हमें नजर नहीं आएगी। तो ये सब कहानी के हिस्से हैं। सर आपने आज हमें ज्वाइन किया, बहुत ऑनर, बहुत प्रिविलेज, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपके पास जब जिंदगी में वक्त हो आप अपना ही पॉडकास्ट समझेंगे, और मोर देन वेलकम। थैंक यू सर। यार मैं अपना वेबसाइट और ब्लॉग बना के कोशिश कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल टेक्निकल नहीं हूँ, मेरे दोस्त हैं आमिर राणा वो मेरी मदद कर रहे हैं, तो जरा और भी मैं पब्लिक हो जाऊंगा बातें, एंड आई राइट अ लॉट एंड ऑल बट आई एम नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन इन दैट वे। तो ये आप जैसे जो है ना शरीफ लोग मुझे चांस देते हैं तो पब्लिक तक मैं पहुंच जाता हूँ। जब आप ये अपना दिखाएं सारा तो मुझे वो बता दें लिंक ताकि मैं भी शेयर कर सकूं। मैं बिल्कुल दे दूंगा सर। और जो लोग सुन रहे हैं, डॉक्टर इश्ताक अहमद नाम के नाम से यूट्यूब चैनल आपका सर? जी वो इश्ताक अहमद नाम पे ही है, नीचे मेरा टाइटल लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर इश्ताक अहमद, यानी इश्ताक अहमद का होगा तो मैं आप तक भेज दूंगा। जी जी सर, तो फिर भी कर देंगे ना। जी जी सर, जो लोग सुन रहे हैं फॉलो करें, मैं लिंक भी पोस्ट कर दूंगा। यूट्यूब पे तो मेरी एक चैनल है ही है, वहाँ पे मेरे कई वीडियोस लगे हुए हैं सर। जो लोग सुन रहे हैं प्लीज लुक अप करें, मैं लिंक भी भेज दूंगा, फॉलो करें जो सुनना चाहते हैं। एंड आपके पास मेरा नंबर है, जो आपको मदद चाहिए हो, सवाल हो, मोर देन वेलकम एनी टाइम सर। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, और सब सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। लेट्स लिव इन पीस एंड बिल्ड दिस रीजन, ये गरीबों का, फकीरों का, सूफियों का, पंतों का, दरवेशों का ये इलाका है, उनकी बातों को आगे लेकर आओ, इंसानियत को अपने गले लगाओ और आगे बढ़ो यार, एजुकेट करो लोगों को, भूख नंग से आजाद करो, शायद तब आपको कोई जन्नत है तो मिल जाएगी, वरना यू आर ऑल वर्थ
बर्निंग इन हेल, मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप इंसान के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। इंसानियत इज सुप्रीम। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। टेक केयर एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।